गुड मॉर्निंग। ओके, मस्त आवाज आया अभी, खनखनीत मराठी मध्ये। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले इंश्योरेंस क्लेम। ओके, बेसिक थोड़ा सा जान लिया था हमने अकाउंटिंग के बारे में, चैप्टर चैप्टर भी वहां पे स्टार्ट करने हमें। तो इंश्योरेंस क्लेम में बेसिकली यहाँ पे क्या कवर किया, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। बट पहले इंश्योरेंस का थोड़ा सा बेसिक हमें जानना पड़ेगा बिफोर नोइंग लॉजिक ऑफ ऑल द इंश्योरेंस अबाउट लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। वो जानने से पहले हमें एक जनरल इंश्योरेंस का लॉजिक समझना है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आप बन गए सीएमए। सीएमए बनने के बाद में आपने जेसीबी लगा लिया पैसे। हाँ ऐसा, ठीक है। हाँ मैं गरीब मेरी तरह मैं गरीब आदमी हूँ ऐसे। हाँ ठीक है, मतलब मैं सीएमए बनने के बाद में जॉब में जाना चाहिए, बहुत पैसे कमा लेता। हाँ तो टीचिंग में हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया, खींचना, क्या बोलते हैं, जेसीबी लगा के वहां पे खींचना स्टार्ट कर दिया। ओके, उसके बाद में आपने सोचा कि गाड़ी तो लेनी बनती है, बराबर। तो आपने सोचा कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है, कोई तो एक गाड़ी है। वहां पे एग्जाम्पल देके चलो। हाँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ये देखो। ओके, ये मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है, उसका घमंड नहीं पर। हाँ तो यहाँ पे ये चार चूड़ियों वाली गाड़ी। हाँ और यहाँ पे है। ओके आप ठीक है, और खिड़की उस ठीक है। और यहाँ पे आपके सामने वो मतलब, हाँ ठीक है। चलो ये वहां पे क्या है कि आपने गाड़ी ले ली, ऑब्वियसली ये ड्रीम है, गाड़ी अच्छी हो, बराबर, साथ में कोई ऐसा हो, वो सभी चीजें वहां पे कि आपके ड्रीम फुलफिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमें गाड़ी या उस पर फोकस नहीं करना, हमें इस गाड़ी के इंश्योरेंस पे फोकस करना है, बराबर। बैक मत जाना, गाड़ी के इंश्योरेंस पे हमें फोकस करना है, बराबर। तो यहाँ पे देखो, अभी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कुछ चल रहा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कुछ चल रहा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कुछ चल रहा है, गाड़ी में इंजन चल रहा है, गाड़ी में गाना चल रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है, सब इंजन चल रहा है, गाना चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कुछ चल रहा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कुछ चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। ओके, तो एक्सीडेंट हो गया, अभी यहाँ पे आता है इंश्योरेंस। वो भी इंश्योरेंस का सिचुएशन कब आता है, ये बात को आप मुझे बताओ, इंश्योरेंस का सिचुएशन कब आता है, आपने इंश्योरेंस पहले लिया हो तो आता है, या इंश्योरेंस अभी गाड़ी ठोक दी, अभी उनके पास जाकर गाड़ी ठोक दी मैंने, अभी मुझे इंश्योरेंस दे। तो इंश्योरेंस एग्जैक्टली ये कब आता है, इंश्योरेंस पहले लेना होता है या इंश्योरेंस एक्सीडेंट होने के बाद में लेना होता है, पहले ही। ये तो क्लियर, मतलब ये बहुत बेसिक बात है, जस्ट मैं आपको रिवाइज करना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि ये कंसेप्ट जब स्टार्ट होता है ना, वही चीजें यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। बट वो उसी बात क्या लगता है कि वो अलग है इंश्योरेंस, ये अलग है इंश्योरेंस, इस वजह से कुछ कॉमन बातें यहाँ पे हमें समझ के लेनी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या आपने बोला, सर इंश्योरेंस पहले निकालना चाहिए, गाड़ी ठोकने के बाद में कोई इंश्योरेंस देगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि उस वक्त तो उसे लॉस मतलब वो थोड़ी ना लॉस उठाएगा, ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो पहले से ही लेना पड़ता है। अभी आप मुझे बताओ कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये वहां पे क्वेश्चन बनता है। आपकी गाड़ी जो है वो हम लेके चलते हैं 50 लाख के, कितनी गाड़ी है, 50 लाख, कितने की, 50 लाख, बराबर। तो 50 लाख की गाड़ी आपने, अगे 50 लाख की गाड़ी है, तो अगर कल जाके गाड़ी ठोक देते हो, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आपका नुकसान कितना हो सकता है, कितना मैक्सिमम नुकसान हो सकता है, 50 लाख का। सिंपल बात है, अगर मैंने गाड़ी ठोक दी, पूरी तरह से ठोक दी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुई, तो नुकसान कितना होने वाला है, 50 लाख का नुकसान होने वाला है। तो लॉजिकली मैंने इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए, 50 लाख का लॉजिकली मैंने लेना चाहिए। ये चीजें जो है ना, वो अपना आगे का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाली है। तो आपने बोला सर 50 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की कार है, और 50 लाख का वहां पे क्या हो गया, 50 लाख का क्या है, सर इंश्योरेंस ले लिया, बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए, इंश्योरेंस भी उतने वाले का होना चाहिए जितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। मैक्सिमम लॉस इस गाड़ी में कितना हो सकता है, 50 लाख का, क्योंकि अभी गाड़ी कितने की है, 50 लाख की है। तो आपने पूरा इंश्योरेंस कर दिया। अभी इंश्योरेंस करने के लिए आपको क्या देना पड़ता है, सिंपली आपको देना पड़ता है प्रीमियम, कितना देना पड़ता, प्रीमियम देना पड़ता है, प्रीमियम मान के चलते 50 लाख के लिए एक एग्जाम्पल बता दो, 1.5 लाख के आसपास प्रीमियम होगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप देखो 50 लाख की गाड़ी 1.5 लाख का प्रीमियम देना जान पे आता है कि नहीं, और वो भी हर साल देना, बराबर, ये होता है प्रैक्टिकली। जब आप जाते हो तो इंश्योरेंस आप जब लेते हो तो प्रीमियम जान के ऐसा लगता है क्या प्रीमियम इतना ज्यादा, ये वाली फीलिंग आती है। और कल जाके मान लो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया,
ओके, किसी का हेल्थ इंश्योरेंस अभी नहीं होगा शायद से, आपका होगा तो भी आपके पेरेंट्स ने निकाला होगा, घर पे निकाला होगा मे भी। तो हेल्थ इंश्योरेंस जब भी कोई लेता है ना, तो ऐसा होता है कि साल भर में आपको कुछ हुआ, आप बीमार पड़ गए, तो उसका हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है वो आपको वापस मिल जाएगा, बराबर। और साल में बीमार पड़े ही नहीं तो गए, बुरा लगेगा ना, बीमार तो पड़ना चाहिए, एक बार तो हॉस्पिटल जाके आना चाहिए थोड़ा, ठीक है। मतलब क्या है कि वो पैसा तो वसूल हो जाता, और एक्चुअली लगता है अंदर से, अरे अपने 20-25 हज़ार का प्रीमियम दे दिया और साल भर में उसका कोई भी यूज नहीं, और फिर से साल के एंड में प्रीमियम रिन्यू करने के लिए आ गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो अगले साल पे करना है कि नहीं, ऐसे वाली फीलिंग वहां पे आ जाती है। बट लेके रखना अच्छी बात है, कब क्या हो जाए पता नहीं है, बराबर। बट हर साल के एंड में पे करते हो बुरा तो लगता है, क्या इतने पैसे गए बट कुछ तो हुआ नहीं, और वो तो पैसे उसका कोई रिटर्न मिला नहीं ना वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी कुछ लॉजिक है, ये सभी जो बातें बोल रहा हूं ना, ये सभी आगे वहां पे कनेक्टेड है। तो प्रीमियम आपने दे दिया 1.5 लाख फॉर एग्जाम्पल, और आपने इंश्योरेंस ले लिया 50 लाख का, आपने गाड़ी ठोक दी, अभी मैंने बोला कि आप उसके साथ थे, बराबर, तो नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो ऐसे केस में गाड़ी आपने ठोक दी, और मान के चलते लॉस जो हुआ वो लॉस हो गया 20 लाख का, जब आपने गाड़ी सर्विस सेंटर में डाल दी तो बता दिया 20 लाख तो लगेंगे ये गाड़ी बनाने के लिए। अब ये मुझे बताओ कि इंश्योरेंस कंपनी को आपने 1.5 लाख दिया है, इंश्योरेंस कितने का लिया है, पॉलिसी की अमाउंट कितनी है 50 लाख, लॉस कितना हुआ है 20 लाख, तो आप मुझे बता दो कि इंश्योरेंस कंपनी से आप कितना पैसा मांग सकते हो। आप बोल रहे हो कि मैंने 1.5 लाख में 50 लाख की पॉलिसी की है, तो मुझे 50 लाख दे दो, तो 50 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पहला क्वेश्चन है। नहीं, कितना मिलेगा 20 लाख। तो सबसे पहले ये बात क्लियर कर लो कि जितना लॉस हुआ है उससे ज्यादा तो वो दे नहीं सकते किसी भी हालत में। इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है, ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ाएगा पहले इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, नाम तो सुना होगा, नाम सुना है, बाकी पता नहीं सर, सिर्फ नाम सुना है। तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि तुम्हें अगर लॉस हुआ तो लॉस को मैं रिपे कर दूंगा, वापस कर दूंगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। तो यहां पे जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे आपको इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस दिया कि कल जाके लॉस हो गया देन ठीक है, मैं हूं बराबर, मैं आपका लॉस वापस कर दूंगा। लॉस हुआ तो अभी मैंने क्या बोला, जस्ट कि कल जाके आपने साल भर का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, साल भर में कुछ भी नहीं हुआ, आपको 1 रुपए भी वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब लॉस हुआ तो ही पैसे मिलते हैं, और कितने पैसे मिलते हैं जितने का लॉस हुआ, वो सिंपल बात है। तो यहां पर लॉस कितने का हुआ है 20 लाख का, तो आपको पैसा कितना मिलेगा 20 लाख, इवन दो इंश्योरेंस पॉलिसी इज ऑफ 50 लाख, आपको कितना मिलने वाला 20 लाख मिलेगा, समझा 20 लाख मिलेगा। अभी देखो इंश्योरेंस कंपनी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार हमने गाड़ी ली, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 10 साल से गाड़ी का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, कार का गाड़ी अच्छी है, मतलब 10 साल के बाद भी एकदम संभाल कर रखी है अच्छे से, ऐसा लगता नहीं कि 10 साल हो गया, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं 3-4 साल हो गए, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो गाड़ी एकदम मस्त लगती है, तो ऐसे केस में क्या है कि 10 साल से प्रीमियम पे कर रहा हूँ, अभी तक एक बार भी इंश्योरेंस क्लेम मैंने लिया नहीं है, तो हर साल प्रीमियम पे करता हूँ, बट इंश्योरेंस क्या इंश्योरेंस कुछ भी नहीं ना, कभी ठोकी नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं है, तो उस केस में इंश्योरेंस का कुछ क्लेम लिया ही नहीं। तो अभी ऐसे केस में क्या होता है कि हर साल जब मैं पे करता हूं तो ऐसा लगता है कि मुझे तो जरूरत वैसे है ही नहीं इंश्योरेंस की, बट वो क्या होता है लीगल रिक्वायरमेंट है, किस बात की, कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो इस वजह से मैं कार के ऊपर इंश्योरेंस ले लेता हूं, बट वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि 10 साल से एक बार भी गाड़ी ठोकी नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, तो उस केस में मेरा जो प्रीमियम है वो क्या होता है वेस्ट होता है। तो मैं खुद क्या करता हूं, मैं खुद का एग्जांपल बोल रहा हूं, मैं जो प्रीमियम है वो पे करते वक्त उनको बोलता हूं कि मिनिमम प्रीमियम या कम से कम प्रीमियम बता दो, क्यों, क्योंकि वैसे तो डालनी नहीं है, खर्च तो आता नहीं है, बराबर, वैसे टाइप की ड्राइविंग नहीं, कुछ ठोक दो या कुछ भी, 10 साल से पहले जो गाड़ी थी उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो मैं उनको बोलता हूं आप एक काम कर दो प्रीमियम जो थोड़ा कम कर दो, तो वो क्या करेंगे प्रीमियम कम कर देंगे, तो उस केस में क्या करते बताएंगे वो, ठीक है, मान लो मैं 50 लाख की गाड़ी ले रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं चलो 1.5 लाख की जगह पे तुम्हें प्रीमियम लगेगा 1,20,000, आप हो गए खुश, अपना तो 30,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड बच रहा है, ठीक है। बट उसमें वो चीज क्या करते हैं, वो आपके गाड़ी की जो वैल्यू पकड़ेंगे ना वो 40 लाख पकड़ेंगे, समझे कि उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने आपकी गाड़ी 50 लाख की है बट उस गाड़ी की वैल्यू आपके पॉलिसी में कितनी कंसिडर की, सिर्फ 40 लाख, मतलब कल जाके अगर गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है तो लॉस कितने का होगा 50 लाख, बट आपकी पॉलिसी अमाउंट कितनी होगी 40 लाख, और अगर कल जाके गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी खत्म होगी तो कंपनी के पास आप जाते हो गाड़ी 50 लाख की है और आप बोलते हो 50 लाख मुझे मिलने चाहिए, कंपनी क्या बोली आपको कितना मिलेगा 40 लाख, कितना मिलेगा
40 लाख तोतला शेट याद है ना, हाँ ठीक है, आपको कितना मिलेगा 40 लाख, 40 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है, तुप 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 40 लाख के ऊपर बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। तो ऑब्वियसली आपको यहां पे दो बातें याद रखनी, इसमें से एक चीज समझ में आती है, पॉलिसी अमाउंट और आपको कितना मिलेगा, पॉलिसी अमाउंट और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस, कितना मिलेगा, पॉलिसी अमाउंट और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस, इतना आपको अमाउंट मिलता है। मतलब कैसे, पहला जो मैंने एग्जांपल बताया उस एग्जांपल में मैंने क्या बता दिया, 50 लाख की पॉलिसी निकाली बट लॉस कितना हो गया 20 लाख, तो आपने खुद ही बोला सर आपको कितने मिलेंगे 20 लाख के मिलेंगे। सेकंड टाइम मैंने क्या बोला, आपने पॉलिसी निकाली 40 लाख की, मतलब ये अंडर इंश्योरेंस बोला जाता है, अंडर इंश्योरेंस मतलब क्या, कम इंश्योरेंस लिया आपने, आपने इंश्योरेंस कम लिया ना, कितने का लेना चाहिए था 50 लाख, आपने कितने का ले लिया 40 लाख का, तो ये इसे बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस, जितना चाहिए था उससे कम आपने इंश्योरेंस ले लिया, सो दिस इज कॉल्ड एज अंडर इंश्योरेंस, बराबर 40 लाख का, और 50 लाख का क्या हो गया लॉस, क्योंकि गाड़ी तो एक्चुअली कितनी है 50 लाख के, तो कंपनी कितना देगी 40 लाख, बराबर। मतलब यहां पे क्या हो गया, पहले सिचुएशन में दोनों में से कम क्या था 20 लाख वो दे दिया, दूसरे सिचुएशन में दोनों में से कम कौन सा था, बोलो तोतला शेट के लैंग्वेज में बोलो, कितना 40 लाख, बराबर, तो 40 लाख वहां पे मिल जाएगा। तो यहां पे एक रूल बन जाता है, रूल क्या बन जाता है, ठीक है, इंश्योरेंस कितना मिलता है, पॉलिसी अमाउंट और एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस आपको इतना अमाउंट मिलता है। इट डजंट मैटर आपके कौन से टाइप के इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, स्टॉक का इंश्योरेंस है, कुछ भी हो, ये तो बात कॉमन है, आपको कितना पैसा मिलेगा, आपने पॉलिसी कितनी मिलाई, पॉलिसी कितने के लिए उससे ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है, तो ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने अगर इंश्योरेंस ही 40 लाख का निकाला है तो कंपनी उसके ऊपर पैसे क्यों देगी, मैक्सिमम उतना ही पैसे देगी ना, और 40 लाख का इंश्योरेंस निकाला और लॉस कितना हुआ 20 लाख का, तो यहां पे एक ट्रिक या एक और एक चीज आ जाती है। ये दोनों सिचुएशन समझ में आ गया क्या, एक बार देख लो, गो थ्रू कर लेना, बराबर देख लो एक बार, ये समझ में आ गया क्या, ये क्या 50 लाख क्या है, इतने का इंश्योरेंस लिया ना, तो उसे बोलते हैं इंश्योर्ड वैल्यू, इंश्योरेबल और इंश्योर्ड वैल्यू, इन दोनों में फर्क समझो, पहले बात दो वर्ड से, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब जितने का इंश्योरेंस, ईडी लगता है लास्ट में, तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रामर पता है ना इंग्लिश, ईडी लिखा होता है लास्ट में पास्ट, बराबर, इंश्योर्ड का मतलब ले लिया, बराबर ले लिया इंश्योर्ड का, और इंश्योरेबल का मतलब क्या है, जितने का लेना चाहिए था, दोनों में फर्क है। जैसे कि यहां पे देखो, मैंने बोला आपने 40 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, तो दिस इज इंश्योर्ड वैल्यू, मैंने इतने का इंश्योरेंस लिया, बट आपने कितने का लेना चाहिए था 50 लाख का, तो ये कौन सी है, ये है इंश्योरेबल वैल्यू, समझा क्या, ये है आपकी इंश्योरेबल वैल्यू, तो ये है इंश्योर्ड वैल्यू और इंश्योरेबल वैल्यू। सबसे पहले समझो, जितने का इंश्योरेंस लिया वो है इंश्योर्ड वैल्यू, एंड दूसरी क्या है इंश्योरेबल, इंश्योरेबल वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच बिजनेस शुड टेक क्या इंश्योरेंस पॉलिसी, जितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था, समझा। एक बार सभी चीजें रिपीट कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर जो अभी तक मैंने बनाया है वो एक बार सब सामने आ जाए। आप साथ में बता देना फटाफट, क्या है, आप सीएमए बन गए, छापना है, डिसाइड कर लिया, पैसे बहुत कमा रहे हो, सबने बोला कि एक गाड़ी तो हो जाए, गाड़ी कौन सी ले ली आपने, फॉर एग्जांपल ऑडी, ओके, चार चूड़ियों वाली समझ में आ गई ना आपको, हाँ ठीक है, वो गाड़ी आपने ले ली और उस गाड़ी में आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, वो सभी इमेजिन मत करना, ओके हाँ, क्या गाड़ी में चल रहा था, क्या नहीं, गाना चल रहा था, ओके, तो गाड़ी जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट होने के बाद में आप कहां पे जाते हो, इंश्योरेंस कंपनी, बट आप इंश्योरेंस कंपनी के पास तभी जा सकते हो जब आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया हो, इंश्योरेंस नहीं लिया हो तो आपको कुछ भी कंपनी के पास से मदद नहीं मिलेगी, सिंपल बात है। तो पहले ही इंश्योरेंस लेना पड़ता है एक्सीडेंट होने से पहले। अभी अगली बात मैंने बता दी, आपने 50 लाख की गाड़ी है, इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए 50 लाख, अगर मैं 50 लाख की गाड़ी है और इंश्योरेंस भी 50 लाख का लिया तो इंश्योरेबल वैल्यू 50 लाख उतने का लेना चाहिए, तो इंश्योर कितना है 50 लाख, तो ये अच्छी बात, इंश्योरेबल जितने का लेना चाहिए था वो भी 50 लाख है और इंश्योर भी कितना है 50 लाख की है, देन दैट्स ओके, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहां पे आता है, जब गाड़ी की वैल्यू 50 लाख है, लॉस 50 लाख हो सकता था, बट आपने इंश्योरेंस ले लिया 40 लाख का, तो इसमें इंश्योरेबल वैल्यू कितनी है 50 लाख, इंश्योर्ड कितना है 40 लाख,
तो उस केस में वहां पे इसे बोलता है अंडर इंश्योरेंस। क्या बोला जाता है? अंडर इंश्योरेंस। तो सब लोग ध्यान सुनना, इसे बोला जाता है अंडर इंश्योरेंस। तो उसमें मैंने बता दिया आपने 50 लाख की पॉलिसी ली लेकिन लॉस हो गया 20 लाख का, आपको कितना मिलेगा? 20 लाख, मतलब पॉलिसी अमाउंट और लॉस विच इज लेस। तो उसमें लॉस लेस है ना, तो इस वजह से 20 लाख वहां पर मिल जाएगा। और इंश्योर्ड वैल्यू वर्सेस इंश्योरेबल वैल्यू, मतलब सिंपल बात है 50 लाख का, नीचे मैंने क्या बता दिया 50 लाख का पॉलिसी लेना चाहिए था बट आपने लिया 40 लाख का, गाड़ी कितने की है 50 लाख की, पर गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, नुकसान कितने का हो गया 50 लाख का, कंपनी से आप कितना मांग रहे हो 50 लाख, कंपनी से मांग रहे हो, कंपनी देगी क्या? नहीं। कंपनी कितनी देगी? 40 लाख। वन साइन क्या हो गया? क्या हो गया? लॉस कितना है 50 लाख, इंश्योर्ड वैल्यू कितना है 40 लाख, पॉलिसी अमाउंट 40 लाख। तो दोनों में से जो भी कम है, कम क्या है? पॉलिसी अमाउंट। तो इस वजह से आपको 40 लाख ही मिल जाएगा। क्लियर? ये समझा? कोई डाउट है? नो? पक्का? यहां तक क्लियर? कोई शक? अशक इतुसा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो अभी एक कॉम्प्लिकेटेड कहां पे बन जाती है चीज, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ओके, बट ध्यान देना अंडर इंश्योरेंस जहां पे होता है ना एक गड़बड़ या एक यहां पे झोल रहता है इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। अगर आपने अंडर इंश्योरेंस किया तो ये आता है क्या? ध्यान सुनना ये किस लिए किया? पहले तो एक कंसेप्ट है एवरेज क्लॉज। क्या नाम है उसका? एवरेज क्लॉज। ये कंसेप्ट या ये जो कैलकुलेशन है ये क्यों इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले समझ लेते हैं। क्लियर? अभी आप देखो मैं क्या सोच रहा हूं, गाड़ी 50 लाख की है, कल जाके मैंने ठोक दी तो भी कितना लॉस आने वाला है? मतलब बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली क्या हो जाता है, एक थोड़ा सा ठोक दिया, आगे का बोनेट थोड़ा सा टूट गया या थोड़ा सा इंजन को थोड़ा सा लग गया, बाकी गाड़ी की पीछे की सेफ है, या पीछे से किसी ने ठोक दिया। मतलब ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि पूरी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब मान लो 50 लाख की गाड़ी वो ठोक दी तो मे भी नुकसान कितना आ जाएगा नॉर्मल केस में 10 लाख, एक एग्जांपल लेते 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख सर के ऊपर से। ये एक्सट्रीम केस में ऐसा होता है कि गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी। तो एक पर्सन क्या सोचता है कि मैंने अगर 50 लाख की पॉलिसी ली तो 1.5 लाख देना पड़ता है, और 30 लाख की पॉलिसी ली तो उस केस में मुझे 90,000 में काम चल रहा है, तो मैं काम करता हूं क्या, मैं 30 लाख की पॉलिसी लेता हूं। कितने की? 30 लाख। उसके दिमाग में क्या है? प्रीमियम बचाना। आप देखो प्रीमियम अननेसेसरीली 60,000 का एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो आप क्या सोचो वो 60,000 बचाया जाए, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम आप 60,000 बचाओगे तो वहां पे पॉलिसी अमाउंट क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। भाई कंपनी ऐसे करती है, कंपनी बोलती है कि आपको कम प्रीमियम देना है तो आपकी हम पॉलिसी अमाउंट भी कम पकड़ेंगे। 50 लाख की गाड़ी है ना, तो आपकी कितना पकड़ेंगे हम? 30 लाख ही पकड़ेंगे, और 30 लाख के हिसाब से आपको 90,000 देना पड़ेगा। तो आपने हाँ बोल दिया, वो आपको बोल रहे मत करो। ठीक है, बोल रहे कौन? इंश्योरेंस कंपनी वाले। आगे जाके प्रॉब्लम होगा, आप बोल रहे हो कि क्या प्रॉब्लम होगा, आपके दिमाग में क्या कैलकुलेशन चल रहा है? 30 लाख का मैंने इंश्योरेंस लिया, कल जाके गाड़ी ठोक दी, 20 लाख का लॉस हो गया, तो कंपनी मुझे 20 लाख देगी क्योंकि 30 लाख का तो इंश्योरेंस लिया है। ठीक है, और मैंने क्या बोला? पॉलिसी अमाउंट और क्या एक्चुअल लॉस, विच एवर इज लेस। पॉलिसी अमाउंट कितनी है? 30 लाख। एक्चुअल लॉस कितना हो गया? 20 लाख। मुझे 20 लाख तो वैसे ही मिलेंगे। तो इस वजह से आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि मैं पॉलिसी लेता हूं कम वैल्यू के ले लूं, जिससे मेरा प्रीमियम बचेगा हर साल का, और कल जाके लॉस हो गया तो भी मुझे 20 लाख तक पूरा मिल ही जाएगा अगर उतने तक लॉस हो गया, और बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है जहां पे गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन कंपनी ने एक काम किया होता है, उस पॉलिसी में एवरेज क्लॉज नाम का एक कंसेप्ट या प्रिंसिपल डाला होता है। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होता है? आप अगर 30 लाख का इंश्योरेंस लेते हो, 30 लाख का इंश्योरेंस लेते हो बट गाड़ी कितने की है? 50 लाख। बराबर, ये क्या है? इंश्योरेबल वैल्यू। ये क्या है? इंश्योरेबल, जितने का आपने इंश्योरेंस लेना चाहिए था, और ये 30 लाख क्या है? इंश्योर्ड, जितने का आपने इंश्योरेंस लिया है। समझा? इंश्योर्ड और इंश्योर। कंपनी क्या बोलती है? आप 50 लाख में से सिर्फ 30 लाख का इंश्योरेंस लेते हो, मीन्स यू आर नॉट विलिंग टू सिक्योर और इंश्योर 100% ऑफ द एसेट। आप नहीं चाहते, आप क्या चाहते हो? आपका जो लॉस होने वाला है वो 100% सिक्योर हो, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं। इस वजह से आपने क्या किया? 50 लाख में से 30 लाख का लिया आपने। तो कंपनी क्या कहती है? आगे से जब भी लॉस होगा ना, तो आपको जो लॉस हुआ ना उसका 100% नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 100% इंश्योरेंस नहीं किया है। किया क्या 100% इंश्योरेंस? अगर 100% इंश्योरेंस होता तो कितने का इंश्योरेंस होना चाहिए था? 50 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस कितने का किया है? 30 लाख का है।
30 लाख 50 लाख का कितना परसेंट है? 60% है, मतलब सिंपल कैलकुलेट कर सकते हो, 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100, बराबर 30 लाख, तो कितना आता है 60%। तो आगे से जब भी आप आ जाओगे गाड़ी लेके, लॉस हो गया तो जितना भी लॉस निकलेगा ना उसका कितना मिलेगा 60% मिलेगा। मतलब आपका 20 लाख का लॉस हुआ ना तो आपको कितना मिलेगा 20 लाख का 60%, मतलब कितना 12 लाख मिलेगा। अगर आपके पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसमें उन्हें एवरेज क्लॉज मेंशन किया ना तो ये अप्लाई होता है, अगर एवरेज क्लॉज मेंशन नहीं किया तो फिर 20 लाख ही मिल जाते हैं, एक्चुअल पॉलिसी अमाउंट और लॉस विच इज लेस ही मिल जाता। अगर एवरेज क्लॉज वाला कंसेप्ट नहीं आता तो, नहीं होता तो आपको क्या मिल जाता, 30 लाख की पॉलिसी है 20 लाख का लॉस हो गया, आपको कितना पैसा मिल जाएगा 20 लाख मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बट उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, एवरेज क्लॉज, और मैक्सिमम पॉलिसीज में एवरेज क्लॉज होता है, इंटेंशनली रखा जाता है। इससे क्या होता है, आदमी को डराएंगे, जो कस्टमर आ गया उसको डरा देंगे क्या? देखो वो अगर कम पॉलिसी में मतलब मांग रहा है 50 लाख का 30 लाख की इंश्योरेंस लेना चाहता है, हम क्या बोलेंगे उसे, देखो कल जाके आप 20 लाख का लॉस होता है तो आपको कितना मिलेगा 12 लाख ही मिलेगा, तो पूरा इंश्योरेंस आप लेना ही नहीं चाहते। जितनी वैल्यू की गुड्स है, जितनी वैल्यू की गाड़ी है उतना इंश्योरेंस लेना ही चाहते, इस वजह से लॉस जितना होगा उसका भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, उसका भी कितना मिलेगा प्रोपोर्शनेट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट मतलब कितना, आपने 50 लाख में से 30 लाख का इंश्योरेंस निकाला तो आपको कितना मिलेगा, ये 60% का आपने इंश्योरेंस लिया पूरे वैल्यू का, तो लॉस का भी आपको कितना मिलेगा 60% ही मिलेगा। मतलब 20 लाख का आपको 60% 12 लाख ही मिल जाएगा, तो उस वक्त 8 लाख आपको नुकसान हो जाएगा। ये अगर बता दिया तो सामने वाला थोड़ा सोचेगा, क्या सोचेगा, वो जो उसके दिमाग में क्या था, 30 लाख तक लेते हैं 20 लाख तक लॉस हो गया तो 20 लाख तो वैसे ही मिलने वाला है, वो तो खत्म हो गया ना उसके दिमाग से, उसके दिमाग में क्या आ गया, अगर 20 लाख का लॉस हो गया होता है तो कितना मिलेगा 12 लाख, उस वक्त 8 लाख किसे देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा, उससे बेटर अभी मैं 60,000 दे दूं। 60,000 बचाने के लिए किया ना ये सब, किस लिए किया था, 60,000 बचाने के लिए 1.5 लाख का 90,000 प्रीमियम दे देते, वो 60,000 बचाने के लिए हमें फ्यूचर में 8 लाख का लॉस हो सकता है। इस वजह से ऐसा क्लॉज वहां पे डाला जाता है, और ये क्लॉज डाल दिया तो वहां से कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाती है, वो है एवरेज क्लॉज, जहां पे एवरेज निकाला जाता है। एवरेज किस बात का, कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था वर्सेस कितने का ले लिया, इसके बीच में कितना प्रोपोर्शन आपने ले लिया इंश्योरेंस, ये निकाला जाता है, और उतने का ही आगे जाके आपको लॉस रिपे किया जाता है। मतलब 60% ऑफ व्हाट, आपका लॉस हो गया, लॉस हो गया 20 लाख, तो आपको कितना मिलेगा 60% ऑफ इट, तो कितना आ जाता है 12 लाख, कितना मिलेगा 12 लाख। ये इंटेंशनली डाला जाता है ताकि, क्या पर्पज है इसका, इसका पर्पज क्या है, ताकि मतलब कस्टमर को हम क्या बोलना चाहते हैं, पूरा इंश्योरेंस ले लो कोई टेंशन नहीं है, आपका जितना लॉस होगा हम पे कर देंगे, बोले 50 लाख हो 50 लाख पे कर देंगे, 20 लाख हो 20 लाख पे कर देंगे, जो भी लॉस है वो हम पे कर देंगे, बट पूरा इंश्योरेंस ले लो। आप अगर पार्शियल इंश्योरेंस लेते हो और कल जाके 50 लाख का लॉस हो गया, आपकी गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी, तो भी आपको कितना मिलने वाला है 30 लाख ही मिलने वाला है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कितने का ले लिया 30 लाख का ही ले लिया, समझा। हम यहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रमोट करना चाहती है, हा? पूरा इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस ले लो, क्लियर, नहीं लिया तो आगे भुगतोगे, सिंपल बात है, अगर नहीं लिया तो आगे भुगतना पड़ेगा। इस वजह से ये सोच के तो एटलीस्ट लोग पूरा इंश्योरेंस ले लेंगे, ठीक है, समझा, बराबर। कम इंश्योरेंस लिया जाता है एक्चुअली सभी जगह पे, है ना, एक जनरली कम इंश्योरेंस लिया जाता है, क्योंकि रीजन सिंपल है, उसके लिए प्रीमियम भी तो देना पड़ता है ना, जितना बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो होते हैं ना, आप ऑनलाइन जो पॉलिसीज मिलते हैं उस ऐप पे वगैरह जाओ, वहां पे सिर्फ आप चेंज कर देना कि 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको मे बी जो प्रीमियम आता है ना 10,000 आता है, ओके। और अगर आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हो तो इमीडिएटली वो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। तो आप जितना इंश्योरेंस अमाउंट बताओ बढ़ाते जाओगे, पॉलिसी अमाउंट बढ़ाते जाओगे, उतना क्या बढ़ जाएगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा। इस वजह से वहां पे लोग प्रीमियम का सोचते हैं, अभी पैसा देना पड़ेगा ना, कल जाके कुछ नहीं हुआ तो वो तो क्या होगा, वेस्ट ही होगा पैसा, ऐसा दिमाग में होता है माइंडसेट, ये रियलिटी है। अभी उस फेज से आप गए नहीं, वो सोचना नहीं पड़ा अभी तक। मैंने सोचा है, बहुत से लोग सोचते हैं उसके बारे में, जब वो देना पड़ता है ना पैसा तो वो लगता है क्या इतना प्रीमियम देना पड़ रहा है, वो भी कुछ हुआ नहीं, जैसे कि मेरी गाड़ी को 10 साल से कुछ नहीं हुआ लेकिन मैं तो प्रीमियम पे कर रहा हूँ। क्यों पे कर रहा हूँ, लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप जब गाड़ी लेते हो तो इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अगर ये इंश्योरेंस लेने का कंपल्शन नहीं होता तो शायद से मैं इंश्योरेंस लेता ही नहीं लेता मैं इंश्योरेंस, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि गाड़ी को कुछ मतलब, अभी इतने साल से 15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूँ
किसी गाड़ी को कुछ हुआ नहीं, उतना सेफली मैं गाड़ी चला लेता हूँ, ठीक है। मतलब रेयर सिचुएशन वहां पे हो सकती है कि कुछ वहां पे क्या एक्सीडेंट हो जाए, बट वो कितनी वहां पे कितनी दूर की बात है, उसके लिए मैं 10 साल से प्रीमियम पे कर रहा हूं। नहीं बोले तो भी वो प्रीमियम में ही मैं 2-2.5 लाख इजिली चले गए हूं, मिला क्या बदले में, ठीक है, क्या मिला, ये भी मिल गया, हाँ ठीक है, तो कुछ कुछ नहीं मिला। तो ये होता है ना, मतलब अगली बार देते हो तो ऐसे ही लगेगा ना, इतना इंश्योरेंस क्यों दे। तो मैं लेता हूँ इंश्योरेंस क्योंकि लीगल कंडीशन है, बट मैं थोड़ा कम लेता हूँ। मैं खुद ही बोलता हूँ कि उसकी जो वैल्यू है ना गाड़ी की, वो कम पकड़ो और मुझे प्रीमियम कम करके, मैं खुद बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस केस में अगर वहां पे लॉस होगा तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन, 10 साल में तो कभी हुआ नहीं। कुछ नहीं मिलता वापस, वही मैंने बोला क्या मिलेगा बदले में, समझा नहीं क्या। लाइफ इंश्योरेंस में मिलता है, बट लाइफ इंश्योरेंस में वो यूलिप पॉलिसी बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्लान में चले गए तो वापस मिलता है, उसमें भी आपने प्योर इंश्योरेंस ले लिया तो उसमें कुछ नहीं मिलता। बट वो उसमें क्या होता है, मैं तुम्हें बता दूं प्रॉब्लम क्या होता है, तुम अगर प्योर इंश्योरेंस में जाते हो, सब लोग ध्यान सुनना, लाइफ इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस में आप जाते हो तो प्योर इंश्योरेंस ना उसमें पैसा वापस नहीं मिलेगा, उसका आपको कितना देना पड़ता है, साल का 15,000 मान के चलते हैं, मान के चलते साल का 15,000, उसमें पॉलिसी अमाउंट है 1 करोड़ एग्जांपल लेके चलो। और अगर आप पैसा वापस चाहते हो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद, जो भी है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी या प्रीमियम की अमाउंट कितनी बन जाती, 15,000 से 40,000 चली जाती। मतलब इंश्योर क्या किया, उन्होंने समझ में आ गया क्या किया, 15,000 तो वैसे ही है, ऊपर के 25,000 लेके उन्होंने सेव कर लिए और वही पैसे वो वापस हमें घूम के दे देंगे। मतलब आप बोलते हो कल जाके मुझे सभी पैसे वापस मिले, कितने साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो वो प्रीमियम इमीडिएटली क्या करते, 15,000 से कितना बता दे, 40,000। ये सभी चीजें मैंने देखी है। तो जो पैसा, ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं कि जहां पे प्योरली आप इंश्योरेंस ले रहे हो और इंश्योरेंस का पैसा आपको वापस मिल रहा है, ऐसा वहां पे नहीं होता। क्यों, क्या होता है, एक लॉजिकली सोचो ना, उस कंपनी के लिए भी क्या करना है, मतलब 100 लोगों से 15,000 ले लिए, 15,000 ले लिए और उसके बदले में कितना, 1 करोड़ देना है, अगर डेथ हो गई, 100 में से 1 की डेथ हो गई तो 1 करोड़ कहां से देंगे, वो कहां से देंगे, सोचो ना, ये जो जमा किया है 15,000 जो जमा किया है वहां से ही दे सकते हैं ना वो, और कहां से देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 1,000 में से 1 की डेथ हो जाती है, 1.5 करोड़ चाहे से 1.5 करोड़ वहां पे उनके पास आ गए, उसमें से वो 1 करोड़ निकाल के उसको देंगे जिसकी डेथ हो गई, यही उसका लॉजिक है देखा जाए तो। अगर वो पैसे वापस करने लगे तो उस केस में चलेगा कैसे, जमेगा कैसे, सभी को पैसे वापस कर दिए तो जो जिसकी डेथ हो गई, जिसको 1 करोड़ दिया, वो दिया कहां से। इस वजह से प्योर इंश्योरेंस जो होता है ना, उसमें रिफंड आपको नहीं मिलता है। और कोई डाउट, नो, पक्का, श्योर, क्लियर। तो यहां पे एवरेज क्लॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, और मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं, क्या जो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं उसको पहले ले लो और क्लियर कर दो, बात खत्म। मतलब एक बहुत सिंपल बात है, मतलब जनरली क्या होता है, एक टीचर का, मतलब मैंने जो देखा मेंटेलिटी क्या होती है, डिफिकल्ट वाला पार्ट एंड में रखो, कंफ्यूज करने वाला मैं उल्टा करता हूँ, कंफ्यूज करने वाला पार्ट सबसे पहले ले लो, उस पर टारगेट करो, फोकस करो, बम्बार्डिंग करो, रिवाइज करो और वो दिमाग में क्लियर करो, ताकि उस चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं ना। मतलब जिससे डर लगता है या जिससे डर सकते, टेंशन आ सकता है, वही खत्म। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट जो है एवरेज क्लॉस को, ये क्या है, ऐसा कर दे, आपका एवरेज क्लॉस पहले दिन में ही वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा, तो जब प्रॉब्लम आएगा तो उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं। आप उस वक्त बोलोगे सर कुछ है ही नहीं उसमें, क्यों बोलोगे, क्योंकि हमने मेन पार्ट जो है ना वो पहले ही क्लियर कर लिया, और वो करेंगे मतलब थ्रू एग्जांपल हो गया, वो चीजों के थ्रू हम ऑल क्लियर कर लेंगे। बट थिंग इज दैट, कि मतलब एक सिंपल बात है कि जब मैं स्टूडेंट था और जब ये चीजें आती थी, मुझे याद है मैंने स्किप किया था, समझा नहीं क्या क्या कर रहे, कहां से क्या अमाउंट ले रहे, कहां से क्या, क्योंकि टीचर जो थे वो फ्रेंकली वहां पे कैसा करते थे कि आते थे क्लास में, जर्नल एंट्री लिखते थे। ये रियलिटी 1% भी मैं यहाँ वहां पे नहीं बोल रहा हूँ, कि सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे मैंने पढ़ाया और कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए। वो आते थे जर्नल एंट्रीज लिखते थे और जर्नल एंट्रीज लिखने के बाद में बोलते थे कि पहला क्वेश्चन यू कैन डू इट, पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ता था। मतलब बताओ कैसे आए कैलकुलेशन अमाउंट, कहां से आ गई, क्या किया, कुछ तो भी बताओ, कुछ नहीं, एंट्रीज लिखी और बोलते थे कि इसके ऊपर आप पहला प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये मैंने इस तरह से पढ़ा और तब से मुझे अकाउंट्स के सपने आने लगे रात को। मतलब एक्चुअली वो डरावने सपने होते हैं ना, अकाउंट के पेपर में गया और फेल हो गया, ओके, और मैं पहली बार अकाउंट में ही फेल हो गया। मैं आपको रियल में बोलता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जो फेल हो गया, हाँ ठीक है सर, ओके, ये रियलिटी है कि मैं पहली बार जो फेल हो गया ना, दैट वाज बिकॉज ऑफ अकाउंट्स।
क्लियर। और मैंने सोचा था जब वो क्लियर हो गया ओके, तो मैंने सोचा इसके आगे अकाउंट कभी पढ़ना नहीं, बट किसी चीज को आप पूरी दिल से ना चाहो तो पूरी दुनिया आपकी लगाने में लग जाती है, ठीक है ओके। और मैं एक तो मुझे पढ़ना नहीं था और दूसरी बात अकाउंट्स पढ़ना नहीं था, और मैं पढ़ाने लगा वो भी क्या अकाउंट्स पढ़ाने लगा, बट उसका बेनिफिट मुझे एक हो गया, ठीक है एक, उसका एक बेनिफिट हो गया। बेनिफिट क्या हो गया कि मुझे ये समझ में आने लगा कि मुझे प्रॉब्लम क्यों आता था, क्योंकि वो बताया नहीं, सिंपल बात है ये बताई नहीं मैंने आपको, और डायरेक्टली कैलकुलेशन करके दिखाया। मैं बोलता हूँ आप इस बारे में इतना टेंशन लोगे सही क्या कर रहे, कहां से आ रहे, क्या चल रहा है, मैंने अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो अभी आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लिंक लगेगी, हाँ इंश्योर्ड वैल्यू इंश्योरेबल वैल्यू ऐसे कंसेप्ट पढ़ा था, क्यों करना है कैसे करना, ठीक है। तो आगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम, मतलब मेरे टाइम पे आया तो मैंने छोड़ दिया था, मतलब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ जब मुझ पे आती है तो मैं छोड़ देता हूँ, जब स्टूडेंट्स पे आती है तो फोड़ देता हूँ, ठीक है। तो कंसेप्ट हम फोड़ के रखेंगे नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है कंसेप्ट पूरा लॉजिकली क्यों क्या कैसे, ठीक है। एवरेज क्लॉज लाने का पर्पज ही क्या था बोलो, पर्पज ही क्या था, पर्पज क्या है, पूरा इंश्योरेंस ले लो। अगर आप पूरा इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो फुल इंश्योरेंस नहीं लेते हो, आपने आधा ही ले लिया, जिसे हम बोलते हैं अंडर इंश्योरेंस। 50 लाख का लॉस हो सकता था, आपने कितना इंश्योरेंस ले लिया 30 लाख का, तो इसे क्या बोलते हैं 30 लाख अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस में हो सकता है कि एवरेज क्लॉज, क्लॉज क्लॉज मतलब क्या होता है एग्रीमेंट में, क्लॉज पता है ना, क्लॉज क्या मतलब एक टर्म बोल सकते हैं, एक कंडीशन बोल सकते हैं, बराबर। ये अगर उन्होंने एवरेज क्लॉज या एवरेज क्लॉज की कंडीशन वहां पर डाल दी एग्रीमेंट में, तो आपको आगे से कितना मिलेगा, प्रोपोर्शनेट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या, 50 लाख में से आपने 30 लाख का ही पॉलिसी ली, मतलब कितने इंश्योरेंस किया आपने, मैक्सिमम लॉस का 60%, तो जितना लॉस होगा उसका भी आपको कितना मिलेगा 60%, तो 20 लाख लॉस होता है तो उसका आपको कितना मिलेगा 12 लाख मिलेगा, मतलब 8 लाख तो आपको उस वक्त लॉस होगा। इस वजह से क्या है, सामने वाला सोचेगा और सामने वाला सोच के क्या लेगा, फुल इंश्योरेंस लेगा, क्या लेगा फुल इंश्योरेंस, इस वजह से लाया गया। हाँ अगर फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर अंडर इंश्योरेंस का एवरेज क्लॉज नहीं हो उस पॉलिसी में, देन आपका पॉलिसी अमाउंट है 30 लाख, लॉस कितना हो गया 20 लाख, तो आपको कितना मिलेगा 20 लाख पूरा मिलेगा, अगर वो एवरेज क्लॉज ना हो तो है, देन आपको प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा कि कितना लॉस हो सकता था उसमें से कितना लॉस हो गया। डन, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर। मतलब चैप्टर देखो, मैं पहले एक बात बोलता हूं, मतलब पहले भी मैंने शायद से बोला था जब मैंने बेसिक पढ़ा रहा इससे पहले, बेसिक के भी एक अपने कितने 5 लेक्चर के आसपास हो चुके हैं, उसमें एक बात बोली थी कि आप सिर्फ रेगुलर रहना, क्लास रेगुलर रहना, वो समझाने का और आपके दिमाग में पूरा डाल देने का, मतलब फूस फूस के डाल देने का, वो मेरा काम है, वो रिवाइज करवा के कैसे भी हो, बार बार वो रिपीट करके कैसे भी हो, मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, बट आपके साइड से मेरा कंट्रोल आपके ऊपर तब आता है जब आप क्लास में आते हो, क्लास करते हो। अगर क्लास नहीं करते हो तो मेरा कोई भी कंट्रोल बचता नहीं, वो सिंपल बात है। आप क्लास रेगुलर कर रहे हो तो बहुत ऐसा चांस है कि आपको डाउट्स ही नहीं आ रहे, समझा, बहुत ही ऐसा चांस है कि मतलब आ सकते हैं फिर भी कुछ डाउट, बट वो कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं हो गया। आपके दिमाग में होता है ना कि सर फिर ऐसा हो गया तो क्या, बाहर की चीजों से जोड़ के आप बोलते हो, वो वहां पे अकाउंट से रिलेटेड बहुत सी बात नहीं होता, अकाउंट से जुड़ा हुआ है, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आपके डाउट्स क्या आने वाला है ये मुझे पहले से पता होता है, जब आदमी इतने साल से पढ़ा था ना 15 साल से, तो उसने सभी ये ट्राई किया होता, स्टूडेंट इसके बाद में क्या पूछते हैं, तो जब मैं पढ़ाता हूं तभी वो चीजें कवर हो जाती है, तो शायद आपका कोई डाउट बचेगा ही नहीं। दूसरी बार ऐसा भी होगा कि आप डाउट पूछ रहे हो मैं पढ़ाते वक्त, मैं बोलता हूँ उठ जाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यार सर ने मुझे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब इंसल्ट किया या मतलब टोक दिया, रुक जाओ। मैं रुक जाओ इसलिए बोलता हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना वो मेरे एक्सप्लेनेशन के एंड में खत्म हो जाएगा, और जब मेरा एक्सप्लेनेशन होता तब मैं पूछता हूँ क्या डाउट था, तो बोलता नहीं सर हो गया क्लियर। ये आज तक का बहुत सी बार एक्सपीरियंस है, सिर्फ आपको वो चीज है ना रेगुलरली फॉलो करनी है, वो प्रॉमिस आपके साइड से चाहिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, वो चीजें जो है वो सभी टाइमली और प्रॉपरली होती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बनता रहा है वो चीजों में, क्लियर। तो यहां पे देखो तो एवरेज क्लॉज क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला क्या बनाया, इसका फॉर्मूला हम बना देते हैं, ओके। मैंने अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया होता, बता दिया होता, तो आप याद करने लगते, अभी हम फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बना, इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन इंश्योरेबल इंटू 100 किया तो प्रोपोर्शन मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाता है, मतलब आपने कितने का इंश्योरेंस ले लिया इसका प्रोपोर्शन आपको मिल जाता है, और उतना आप किसको अप्लाई करते हो, लॉस को। मैंने क्या किया, यहां से 60% निकाला, 60% किसको अप्लाई किया, 20 लाख को, तो 20 लाख इंटू 60% कितना आ गया, 12 लाख। अब इसका मैं फॉर्मूला बना दूं, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इंश्योर्ड वैल्यू
अपॉन, बोलो आप बोलो, अपॉन इंश्योरेबल वैल्यू, नहीं इनटू, बोलो नहीं शॉर्टकट बनाओ, इनटू क्या, इससे इनटू 100 करके मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो, 20 लाख से ना, इनटू डायरेक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ ना, डायरेक्टली क्या कर दो फिर, इनटू एक्चुअल लॉस, बराबर इनटू एक्चुअल लॉस, मतलब ये फॉर्मूला डायरेक्टली वहां पे आ जाएगा एक्चुअल लॉस, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट, आप लिखो मत, मैं पहले ऊपर लिख दूंगा कि एग्जैक्टली क्या केस था और उसके नीचे ये लिख लेना ताकि आपका कैलकुलेशन भी सामने आपको दिखाई दे। तो देखो इंश्योर्ड वैल्यू कितना है, 30 लाख, बराबर इंश्योरेबल वैल्यू कितना है, 50 लाख, इनटू क्या, एक्चुअल लॉस कितना है, 20 लाख, बराबर कैलकुलेट कर लो, 30 लाख अपॉन 50 लाख 0.6 आ जाएगा, जितना मुझे 0.60 आ जाएगा, इनटू 20 लाख, तो ये आपका आ जाएगा 12 लाख, 12 लाख, ये आपको क्या मिलेगा, क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। पहली बात तो एक समझो, बहुत से स्टूडेंट को ये लगता है जितना लॉस हुआ उतना क्लेम मिलता है, क्लेम इज डिफरेंट थिंग, लॉस हो गया उसके बाद में आप कंपनी से जितना मांग सकते हो वो आपका क्लेम होता है, तो जितना लॉस हुआ उतना हर बार मांग सकते हो क्या, नहीं, कभी भी क्या होता है आपने 40 लाख की पॉलिसी निकाली, लॉस हुआ 50 लाख, आप कितना मांग सकते हो, 40 लाख ही मांग सकते हो, मतलब जितना लॉस हुआ उतना मांग सकते हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, यहां पे भी क्या दिखा, आपका लॉस कितना हो गया था 20 लाख, बट आप कितना क्लेम, क्लेम का मतलब क्या है, डिमांड, आप कितना डिमांड कर सकते हो, सिर्फ 12 लाख का डिमांड कर सकते हो, क्यों, क्यों, क्योंकि एवरेज क्लॉज अप्लाई हो गया, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार क्या हो जाए, जितना लॉस है उतना, जितना लॉस है उतना क्या क्लेम मिले, क्लेम हमें कैलकुलेट करना पड़ता है लॉस के बेसिस पे, पहले लॉस निकालना पड़ेगा और फिर लॉस के बेसिस पे आगे बढ़ना पढ़ना पड़ेगा कि कितना क्लेम मिलने वाला है, मे बी एवरेज क्लॉज हो तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला कैसे बन गया ये समझ में आ गया क्या, देखो आपको याद नहीं करना है, क्या ये नहीं बनना है, क्या बोलते हैं उसे, चतुर, चतुर नहीं बनना है, अपना जो कौन सा मूवी था, थ्री इडियट, चतुर नहीं बनना है, नहीं तो एग्जाम में क्या होते हैं, चमत्कार हो जाते हैं, ठीक है, ओके, रिजल्ट जब आता है तो वो ऐसा लगता है अपने पे चमत्कार हो गया, तो रिजल्ट आने के बाद में, तो इस वजह से वहां पे गए, यार रट्टा मत समझो ना, क्या है क्यों आया, अभी मैंने लॉजिकली लेके गया ना, मतलब मैं कहां से स्टार्ट किया, मैंने गाड़ी से स्टार्ट किया, मुझे यहां पे पहुंचना था, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता था, बट फॉर्मूला लिखने से क्या हो जाता है, डायरेक्टली आप उसे याद करना स्टार्ट करते, बट हम उस प्रोसेस से आए कि ये क्यों आ रहा है या क्या जरूरत थी उसकी, और डायरेक्टली आपने मुझे लास्ट में बताया सर इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइड बाय इंश्योरेंस इनटू ये कर, सुना गया, मतलब ये ऐसे अंदर से आनी चाहिए कंसेप्ट, या वो फॉर्मूला आना चाहिए, ऐसे लिख के याद करके वहां पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहां पे एक बात लिखना, यहां पे एक लिखना क्वेश्चन, मतलब ये लिखने से पहले देखो इसमें से तो जो दो तीन चीजें हैं, ठीक है मैं लिखवा के देता हूं, ऊपर का गाड़ी का हो गया वो तो ऐसे मतलब आपको दिमाग में क्रिएट करने के लिए बनाया गया था, वो बना सकते हो या नहीं वो भी चलेगा, ठीक है सबसे पहले लिखो, लिखना क्या, एक मिनट रुको, आपके पास ये अभी तक चीजें नहीं है ना, ठीक है ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है अभी तो नोटबुक पे ही लिखो आप, ये आपके पास है नहीं, ठीक है अभी तो आप नोटबुक पे ही लिखो, ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में लिख जाएगा, यहाँ पे तो मैक्सिमम चीजें जो है वो लिखी है, एडजस्टमेंट अभी आप देखो कैसे किया है यहाँ पे, ठीक है कि क्या क्या स्टेप्स आते हैं एग्जाम में, जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन में क्या क्या एडजस्टमेंट देता है, मैं गारंटी देता हूं इसके बाहर के एडजस्टमेंट आप ढूंढ के दिखाना मुझे, मतलब जितने क्वेश्चन मैंने रीड किए उसमें से मैंने हर प्रॉब्लम में से क्या निकाले, एडजस्टमेंट्स निकाले कि क्या एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि अगले पेज पे आप देखो इसका फायदा क्या आपको समझ में आ जाएगा, अगले पेज पे आप देख लो एडजस्टमेंट इन आइटम्स ऑफ करंट ईयर, उसमें एडजस्टमेंट इन परचेस में क्या क्या एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं वो सभी यहीं पे, बराबर मतलब आप क्या करो सिंपल बात है, ये कितना लगभग वहां पे कितने पेजेस का अप्रोक्सीमेटली लेके चलते हैं, पेजेस में काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, ओके ये चैप्टर जो है वो कितने पेज का है, लगभग 5 पेज का, लगभग कितने 5 पेज का, ये 5 पेज में सभी एडजस्टमेंट्स और इसके इफेक्ट्स कवर हो गए, आप एग्जाम के लिए जाना चाहते हो बराबर टेंशन आ रहा है सिलेबस इतना ज्यादा है, ठीक है तो कैसे कहो, सिंपल बात है 5 पेजेस पढ़ने में कितना टाइम जाएगा, एक चैप्टर कितना टाइम जाएगा, मेरे हिसाब से आपके 10 मिनट चले जाएंगे मैक्सिमम, 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ये रिवीजन के टाइम पे इतना यूजफुल रहने वाला है आपको, क्यों, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कंप्लीट किया जाए एक दिन में,
ये देखना है, प्लस मैं कुछ क्वेश्चंस मार्क करके दूंगा अभी जब भी चैप्टर चलेगा, ओके मैं पढ़ाते वक्त ही बताऊंगा ये क्वेश्चन मार्क करना, दो तीन क्वेश्चन उस चैप्टर के मार्क करके दूंगा, मतलब वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाओगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें लगभग सभी चैप्टर के एडजस्टमेंट, चैप्टर के सभी एडजस्टमेंट कवर हो जाते हैं। मतलब ये देखो वो दो तीन क्वेश्चन एग्जाम से पहले या जब भी आप रिवीजन करना चाहते हो क्विक रिवीजन, आपको टेंशन आ रहा है कि मेरा पढ़ाई हुई कि नहीं, तो आप एक काम कर दो ये पढ़ लो और वो दो तीन क्वेश्चन पढ़ लो या सॉल्व कर दो, आपका एक दो घंटे में आपका पूरा चैप्टर खत्म रिवाइज, एक आध घंटे में हो जाएगा इसका। तो ये उसके पीछे क्या हम कह सकते हैं माइंडसेट है, मतलब यहां पे ऐसा नहीं कि मतलब जब क्लास चल रहा है ओके तभी मैं आपके साथ हूं, मैं ऐसा प्रोविजन बना के आपको छोड़ दूंगा कि वो एग्जाम तक काम आ जाए, कि एग्जाम में जाते वक्त आपने क्या पढ़ना चाहिए उसकी भी प्रोविजन मैं अभी कर दूंगा, ये चीजें पढ़ के जाओ क्योंकि ये चीजों में सभी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। एंड बाकी क्वेश्चन जस्ट गो थ्रू कर लेना क्या है क्या है क्या है, उतना वहां पे कर दिया मैं, कब की बात बोल रहा हूँ रिवीजन की, पढ़ना तो अभी प्रॉपरली है, अभी शॉर्टकट यूज नहीं किया, अभी पढ़ेंगे प्रॉपर बट उसमें से हम हाईलाइट करके रखेंगे क्या क्या चीज है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको यही समझ में आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये होता है कि नहीं होता है इतने सिलेबस में से, सो दैट आई विल टेक केयर, मतलब सभी चीजों का मैं ध्यान रखूंगा, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है क्लास में रेगुलर रहना। देखो जैसे कि छुट्टी होती है आप भी देखते हो स्टूडेंट क्या करते हैं छुट्टी लेते हो, ऐसा मत करो, फिर वो क्या हो जाता है कि आपका लिंक टूट जाता है, दूसरे दिन आके ऐसा हो जाता है कि सब ऐसा हाँ भाई भाई क्या चल रहा है ये कहाँ से आ गया वो कहाँ से आ गया, ये वाली बात चलती है, आप रेगुलर रहो बाकी मुझ पे छोड़ दो, ठीक है मेरे साइड से कुछ वहां पे मिस नहीं होगा। तो आपके यस फिजिकली और मेंटली दोनों आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, मोस्टली मेंटली भी आप रहोगे ठीक है, आगे तो आगे हाँ उसका ध्यान होता है हाँ हाँ आ गया कोई दिखा था बस में गाना गाना एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई फिर क्या हुआ ये ना पूछो, बोल देना था क्या मतलब क्या जाता क्या है ज्यादा ज्यादा क्या होता है सैंडल पड़ जाती है मतलब ज्यादा भी नहीं होता है, ठीक है आगे एक पॉइंट लिख लेना इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस कॉमा कस्टमर विल गेट क्या मिलेगा, कस्टमर विल गेट पॉलिसी अमाउंट और क्या एक्चुअल लॉस whichever is less whichever is less bracket mein likhna if uske aage likhna bracket mein if average clause is not applicable ये तब होता है जब average clause applicable ना हो तो, अभी आगे हम पढ़ेंगे next second if there is under insurance as well as average clause is applicable then insurance claim shall be calculated as follow
नीचे लिख देना शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लिखना नीचे, एग्जांपल के थ्रू ज्यादा बेटर वो समझा जा सकता है। पहले एग्जांपल हमने क्या लिया, एग्जांपल क्या लिया पहला, टोटल प्राइस ऑफ कार, टोटल प्राइस ऑफ कार कितना है 50 लाख, बट इंश्योरेंस टेकन फॉर ओनली 30 लाख, फॉर ओनली 30 लाख। देन एंड लिख देना, देन की जगह पर एंड लिख देना, एंड लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट इज कितना 20 लाख, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट इज 20 लाख। तो पहले ये लिखो 30 लाख क्या है, ये लिख देना 30 लाख इंश्योर्ड वैल्यू, 50 लाख इंश्योरेबल वैल्यू, 20 लाख एक्चुअल लॉस 20 लाख क्या है एक्चुअल लॉस। तो पहले इस तरह से लिख देना, ये कैलकुलेशन इस तरह से पहले लिख देना, ये वाला ये डिटेल में लिखा जाए तो। उसका बाद में हमने क्या बना दिया, इसका हमने शॉर्टकट बना दिया बाद में इसका, और बीच में और दोनों में से, मतलब ऑब्वियसली यही फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, बराबर। आगे से ये फॉर्मूला आपको देखने मिलेगा, ये फॉर्मूला कैसे आया ये ऊपर मैंने समझा दिया, बराबर। जस्ट हमने कितना लॉस हो सकता है उसका एक प्रोपोर्शन निकाल लिया है। Done. लिखा, पानी है कि किसी, बस पानी यहां पे रखना रह गया, और उसमें एसिडिटी का जो होता है ना आज थोड़ा सा वो प्रॉब्लम चल रहा है मुझे जलन अंदर। यस, 12 लाख इंश्योरेंस क्लेम है, 12 लाख का क्या है इंश्योरेंस क्लेम है, इतना क्लेम आपको मिल जाएगा, बराबर। अभी हो गया लिख के, अब ये इंश्योरेंस वाला कंसेप्ट हमने जनरली समझ लिया, अभी हमें इसे बिजनेस के लिए सोचना है, बराबर ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचना है, क्लियर। इसी को ही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अप्लाई करना है, यही चीज है, यही लॉजिक है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। अभी यहां पर देखो, ठीक है, ये हम लेके चलते हैं ये क्या है, हम लेके चलते हैं, ये गोडाउन है, ऐसा लेके चलते हैं। मुझे पता है पेंटिंग वन सेकेंड मेरी अच्छी है, बट गमंड नहीं करता मैं किसी बात का, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है सामान माल, हाँ वो स्टॉक, हाँ गुड्स, हंसने वाली बात क्या है उसमें, देखो मैं सुबह सुबह आस्था चैनल देख के आता हूँ, मेरे आचार विचार हमेशा शुद्ध रहते हैं, ठीक है, इस वजह से मैं हमेशा, हाँ ओके। तो यहाँ पे देखो, तो ये आपका गोडाउन है, मान के चलो गोडाउन, और गोडाउन में लग गई आग, गोडाउन में लग गई आग, दिल में रहा है, हाँ लग गई आग, ठीक है, गोडाउन में आग लग गई। यहाँ पे ये जो ओनर है, यहाँ पे ये ओनर है, ओनर बोल रहा है बचाओ बचाओ कोई है बचाओ, सॉरी वो सिचुएशन गलत हो गया, क्या बोल रहे हैं,
आग 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 ओके पानी पानी वो ऐसा चिल्लाएगा हाँ वो सिचुएशन गलत हो गया बचाओ बचाओ अलग सिचुएशन में बोला जाएगा हाँ ठीक है। तो वहां पे ये जो ओनर है वो चिल्ला रहा है कि मतलब टेंशन में ऑब्वियसली आग लग गई वहां पे पूरा जो स्टॉक है वो जल गया ओके वहां पे ही उसका बिजनेस था वहीं से वो ऑपरेट करता था पूरा बिजनेस सब वहां पे जल गया सभी चीजें वहां पे जल गई। अभी यहां पे उसके दिमाग में टेंशन किस बात का चल रहा है क्या क्या नुकसान हो गया उसके दिमाग में वो आएगा ना मतलब वो फ्लैशबैक लाइक कि क्या क्या जल गया क्या क्या नुकसान हो गया ठीक है। तो उसका क्या क्या नुकसान हो गया आपको क्या लगता है किस बात का उसको नुकसान हो गया क्या नुकसान हो गया स्टॉक जल गया बराबर और गोडाउन मतलब गोडाउन में जल गया मतलब क्या वो बिल्डिंग बराबर वो बिल्डिंग जल गई अगर अंदर अगर फर्नीचर होगा वो भी जल गया मतलब बेसिकली आपने अभी तक दो चीजें बोली पहला चीज बोला स्टॉक जल गया वो नुकसान हो गया और दूसरी चीज क्या बोली एसेट एसेट जल गई बराबर ये दो लॉस और क्या टेंशन है उससे और उससे भी बड़ा एक टेंशन है हाँ ओके ठीक है और इंश्योरेंस हाँ ठीक है वो इंश्योरेंस तो हम लेंगे बट और कोई तो ऐसा है उसके दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन है उससे भी ज्यादा ये तो चीज है ही ये तो टेंशन है ही जो आप बोल रहे हो बराबर शॉक नहीं बचा मेरा मेरी बिल्डिंग नहीं बची फर्नीचर नहीं बचा वो तो है ही उसके अलावा भी और टेंशन है लॉस ऑफ प्रॉफिट यस परफेक्ट अरे उसका गोडाउन या दुकान जल गया ओके जो भी है वहां से वो ऑपरेट करता था अगर वो जल गया वो दूसरे दिन पे वहां पे वो जो आग लगी हुई उस पर आके बैठेगा बिजनेस करने के लिए ठीक है मैं तो बिजनेस करेगा मुझे कुछ पता नहीं मतलब सेकंड डे से वो रिज्यूम हो पाएगा बिजनेस पॉसिबल नहीं मतलब कितना टाइम लगेगा उसे रिज्यूम होने के लिए हाँ तो एक एग्जाम्पल कुछ एक दो महीने मतलब एक लॉजिकल है एक दो महीने कभी भी तीन महीने लग सकते हैं डिपेंडिंग क्योंकि वो जगह बनानी पड़ेगी वैसे हो सकता है या कहीं हॉल देखना पड़ेगा उस टाइप का वहां पे नया स्टॉक लाना पड़ेगा बराबर सभी फर्नीचर बनवा के लेना पड़ेगा सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम बराबर मतलब ये टाइम जाएगा मतलब उतने टाइम के लिए उसका जो एक जनरल प्रॉफिट मिल रहा था जैसे कि उसका मंथली प्रॉफिट था मान के चलते मंथली प्रॉफिट उसका था 5 लाख पांच लाख था मतलब अगले दो तीन महीने के लिए उसका प्रॉफिट तो होगा ही नहीं उल्टा वो लॉस में चला जाएगा उल्टा यहां से सामान वहां पे शिफ्ट करो बराबर या नया कोई तो जगह देख लो वहां का रेंट दे दो वो सभी चीजों में वहां पे क्या हो जाएगा उसके वर्किंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे अरे तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा वर्किंग एक्सपेंसेस क्या हो गए बढ़ गए प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा वर्किंग एक्सपेंसेस क्या हो गए बढ़ गए क्यों क्योंकि ये खर्चा बढ़ गया ना इसके साथ साथ क्या हो जाएगा इसमें से जो स्टॉक बचा हुआ वो मूव करना पड़ेगा कहीं पे या दूसरा स्टॉक लाना पड़ेगा उसका वहां पे खर्चा हो जाएगा सभी चीजें वहां पे कहीं बढ़ जाएगी गोडाउन नया लेना पड़ेगा रेंट पे तब तक के लिए जब तक ये बनता नहीं है तो उसका खर्चा वहां पे हो जाएगा मतलब एक तो प्रॉफिट खत्म उसके साथ साथ क्या हो गए एक्सपेंसेस बढ़ गए मतलब इसके साथ देखो स्टॉक जल गया जो था वो जल गया बट अगले तीन महीने की बात लग गई ना तो उसका भी तो टेंशन होगा उस पर्सन को आज समय में क्या बोलना चाहता हूं ठीक है टेंशन इस बात का भी होगा कि मुझे मेरा आगे क्या होगा अगले दो तीन महीने में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा ठीक है 5 लाख महीने के हिसाब से 3 महीने का मतलब 15 लाख को नुकसान हो जाएगा अपना जो खर्चे करने पड़े वो अलग तो ये भी तो नुकसान हो जाएगा ना मतलब यहां पे देखो इसलिए इस वजह से आपको कंपनी ठीक है कंपनी जो है वो आपको ऑफर करती है 3 तरह के इंश्योरेंस पहला लॉस ऑफ स्टॉक का इंश्योरेंस दूसरा लॉस ऑफ एसेट्स का इंश्योरेंस एंड तीसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट का इंश्योरेंस आप जिस चीज का इंश्योरेंस लोगे उसका आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाए कुछ लोगों ने सिर्फ स्टॉक का ले लिया तो सिर्फ स्टॉक का मिलेगा उस वक्त लॉस ऑफ प्रॉफिट का कुछ कॉम्पेंसेशन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मतलब बहुत सिंपल बात है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पॉलिसी ली है जो पॉलिसी ली उसका आपको क्या मिल जाएगा क्लेम मिल जाएगा इंश्योरेंस मिल जाएगा समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं वो सिंपल बात है जो पॉलिसी ले ली तो यहां पे 3 चीजें निकल के आ गई क्या निकल के आ गया लॉस ऑफ नहीं लॉस ऑफ पहले स्टॉक सीक्वेंस में चलते लॉस ऑफ एसेट एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट ये तीनों पॉलिसीज अलग होती है पहले मैं बोलता हूं कि एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी ली मतलब तीनों ले लिया ऐसा नहीं तीनों को अपने अलग से लेना पड़ता है ये ऐसा मे बी कंपनी का पैकेज हो सकता है कि जहां पे तीनों भी चीजें कवर होती है तो वो लेना पड़ेगा आपको समझ में आ गया जैसे कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया इसका मतलब हेल्थ इंश्योरेंस हो गया ऐसा नहीं होता है लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली क्या है कल जाके उस पर्सन की डेथ होती है तो ही पैसा मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि बीच में वो बीमार पड़ गया तो बीमारी केस में जो भी हॉस्पिटल का खर्चा आता है वो मिल जाएगा तो ये सभी पैक्स अलग अलग होते हैं हो सकता है कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे हो जिसमें ये सब कुछ कवर किया तो फिर आपको वो लेना पड़ेगा बट जब आपको बोला जाए कि लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी ले ली
तो आपने एज्यूम नहीं करना है कि उनके पास लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी भी हो। वो बताएंगे कि दोनों पॉलिसी लिए है या नहीं लिए, और उन्हें लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी लिए तो हम कैलकुलेशन किसका करेंगे, सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक का ही करेंगे। समझा? इसमें से सबसे आसान कौन सा है? लॉस ऑफ एसेट सबसे आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या करना है आपको, कितना पैसा मिलेगा एज एन इंश्योरेंस, कितना पैसा मिलेगा लॉस ऑफ एसेट में? सिंपल बात है, आपने डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया। मान लो आपने 10 लाख की एसेट परचेस की, मशीन परचेस की, वो 10 साल चलती है, बराबर। तो आप हर साल कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हो? 1 लाख। उस एसेट को 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल कितना? 1 लाख आता है। ऐसे ऐसे आपने 5 साल एसेट यूज की, 5 साल 6 साल पकड़ के चलते हैं, एसेट कितनी यूज की? 6 साल यूज की, बराबर। मतलब अभी एसेट की वैल्यू कितनी बची होगी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 4 लाख। सिंपल है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ऐसे 6 साल के 6 लाख आपने डेप्रिसिएट किए होंगे, एसेट की वैल्यू कितनी बची होगी? 4 लाख ही बची होगी। अकाउंटिंग में हम डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं ना, पीएनएल अकाउंट में भेज देते हैं, तो 4 लाख की एसेट बची होगी, बराबर। और फर्स्ट अप्रैल मान के चलते, फर्स्ट अप्रैल कोई डेट लेके चलते 2024, एक डेट लेके चलते फर्स्ट अप्रैल 2024, बराबर। उस दिन क्या हो गया, आपके एसेट की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। हर साल का डिप्रिसिएशन कितना है? 1 लाख, बराबर। आपके एसेट जो जल गई ना, वो जल गई लेटर से फर्स्ट ऑफ अक्टूबर 2024 को। कब चल गई? 1 अक्टूबर 2024 को। आप क्या करोगे? 4 लाख ऑलरेडी डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ एसेट है। आपने कब तक डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया? 1 अप्रैल 2024 तक किया है, क्योंकि हर साल के एंड में मतलब 31 मार्च 2024 जब हो गया होगा, उस वक्त डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया होगा, तो उसे माइनस करने के बाद में कितना बचा हुआ है? 4 लाख बचा हुआ है। आपको क्या करना है? सिर्फ जिस दिन आग लगी उस दिन का एडिशनल डेप्रिसिएशन, उस दिन तक का एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दो। मतलब कितने दिन का? 6 मंथ्स। कितना? मतलब कैसे आए 6 मंथ? अप्रैल पूरा, फर्स्ट अप्रैल से काउंट करना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फर्स्ट अक्टूबर को तो आग लग गई, तो अक्टूबर नहीं पकड़ेंगे, बराबर। तो इस वजह से 6 महीने का 12 मंथ्स का 1 लाख था डेप्रिसिएशन, तो 6 महीने कितना? 50,000। डेप्रिसिएशन हमेशा जितने दिन एसेट यूज की उतने दिन का ही प्रोवाइड किया जाता है। आपने ये एसेट अभी साल भर यूज किया क्या? नहीं, कितने में यूज की? 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आता है? 50,000। तो यहां से माइनस हो जाएगा 50,000, और कितनी वैल्यू बच रही? 3.5 लाख। तो जनरली आपको 3.5 लाख मिल जाएगा, बट कभी भी क्या होता है, एसेट जलने के बाद भी उस मेटल की कुछ वैल्यू बचती है, उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू। वो स्क्रैप वैल्यू 1 लाख में बेचा जा सकता है, स्क्रैप जलने के बावजूद भी जो मेटल है, मान लो वो मेटल 1 लाख में बेचा जा सकता है, उतना मेटल है, मतलब ऑब्वियसली ह्यूज मशीन होता है, तो वो मशीन का मेटल बेच के 1 लाख मिल सकता है, तो कंपनी 1 लाख आपको देगी? नहीं, कंपनी क्या बोलेगी? जितना लॉस हुआ उतना ही हम देंगे, बराबर। 3.5 लाख में से 1 लाख तो तुम्हें वापस मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप वैल्यू, तो तुम्हें कितना मिलेगा फिर? 2.5 लाख मिलेगा। मतलब एक बहुत सोच समझ के पॉलिसीज वहां पे बनाई जाती है। स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है बताइए आप? स्टूडेंट के दिमाग में क्या आता है? तो वो जो सामने इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, उनके यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी मतलब चिकिया, चिकिया मतलब नाम होता है, हाँ ठीक है, आपके यहाँ होता है ना, मतलब दोस्तों का नाम होता है ना, मेरे भी दोस्त का नाम था, हाँ चिकिया, तो और कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? मेरे यहाँ पे सी लिखा गया, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं कि हमें स्क्रैप वैल्यू मिली 50,000, मतलब क्या 1 लाख मिली, बट हम बताते हैं उनको 20,000 ही बता देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रहे हैं? मेरे माथे पे, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सर वर्किंग एक्सपेंसेस कंपनी देने वाली है, कंपनी देगी ना, अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट लिया हो तो कंपनी देती है कि जो खर्चा हुआ आपको आग लगने की वजह से, जो नुकसान हुआ है वो भी पे कर दिए। तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर एक काम कर देना, मतलब उनके दिमाग में ये आ जाता है, मतलब बच्चे कोले बच्चे उनके दिमाग में वहां पे कोले थॉट्स वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि सर हमें काम कर देना कि वो जो एक्सपेंस है ना, वो एक्सपेंस कंपनी को दिखाते वक्त 10 लाख दिखा देंगे, और उसके बदले में कितना सेल किया? 2 लाख का। नया बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख खर्च करके कितना कमाया? 2 लाख कमाया। तो सामने बैठे वाला आपसे भी ज्यादा होशियार है, क्योंकि उनके एग्जाम जो होती है किसकी होती है? एक्चुअरीज वगैरह, पता है क्या नाम सुना है क्या? एक्चुअरी के एग्जाम, किसी ने सुना है? वो एग्जाम देख रहे थे, वो बहुत टफ है, मतलब अपने कोर्सेज से भी ज्यादा टफ है, ठीक है। वो करके कंप्लीट करके वहां पे लोग बैठे हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी की सभी चीजें बनाते हैं, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा तब जाके कितना हम वापस कर सकते हैं, वो सभी कैलकुलेशन के लिए, वो खतरनाक कैलकुलेशन होता है, डिफिकल्ट एग्जाम है, अब एक्चुअरी बोलते हैं उसे, एक्चुअरी, ठीक है, वो बोला जाता है, ठीक है। तो वो लोग वहां पे बैठे होते हैं, तो आपसे भी उषा है, वो क्या बोलेंगे कि हम उतना ही आपको एक्सपेंस देंगे जितना आपने कमा के दे दिया। उसका लॉजिक भी क्या है मैं समझा दूंगा, प्रॉपरली समझा दूंगा, ऐसे ही मतलब बोलने के लिए नहीं, अभी तो वो पॉइंट पे आए नहीं, मैं सिर्फ एक
क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं। तो सामने से सोच समझ के बातें बनाई कि कोई हमें लूट के ना चला जाए। किसने बनाई है? इंश्योरेंस कंपनी ने। तो कंपनी वहां पे क्या करेगी, जितना वहां पे आपको वापस मिल गया पैसा 1 लाख, वो 1 लाख का लॉस नहीं देगी, क्योंकि सिंपल है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, आपका जितना नुकसान हुआ उतना देंगे हम, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। ना तो आपका लॉस हो गया 5 लाख, आप दिखा रहे हो 10 लाख, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने गाड़ी ले ली 50 लाख की या 5 लाख की, उस पर उसका इंश्योरेंस निकल 10 लाख, वो गाड़ी फेंक दी डायरेक्टली वहां पे, क्या लगा दी किस पे, खाई के बास में लगा दी और ढकेल दी, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बोले मैं उनसे 10 लाख ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मिल गया 10 लाख मान लो, मैं क्या करूंगा, मेरा जॉब हो गया, सब कुछ छोड़ दूंगा। अभी तो अपन गाड़ियां फोड़ेगा, अपन कुछ नहीं करने वाला, अपन तो गाड़ी फोड़ने वाला है, ठीक है। हर 1 महीने में, हर 6 महीने आप क्या करोगे, गाड़ी लो, ठीक है, गाड़ी लगा दो खाई के सामने, थोड़ा यूज कर लो, ठीक है, बाद में फेंक दो, 5 लाख कमा लो, घर पे बैठ जाओ, कितना लाइफ सिंपल, ठीक है। तो मतलब लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस का अलग फायदा उठाने लगेंगे, अगर कहीं पे फायदा होता है ऐसा दिखा दो। आप अभी YouTube पे जाके सर्च कर लेना बाद में, ठीक है, कि वहां पे आपको मिलेंगे कि क्या बोलते हैं उसे, एक नाम है इंश्योरेंस क्लेम लाने के लिए। बहुत सी बार मे भी आपने अभी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि लोग जो है बाहर की कंट्री के जो है वो गाड़ी के सामने आ जाते, ऐसे देखा कि अपने क्लिप हो गया, कोई गाड़ी के सामने आ जाते, उनको थोड़ा सा लग गया, मेरा पैर टूट गया, तो उसके बदले में वो लाखों रुपए क्लेम कर देते। तो इस वजह से वहां के लोग जो है वो कार में ये लगा देते, कार का कैमरा होता है ना जो कंटिन्यूस रिकॉर्ड करता है, वो इसीलिए लगा देते क्योंकि वहां पे बहुत चल रहा है। क्या करते, खुद जाके वहां पे गाड़ी थोड़ी सी मीडियम स्पीड पे हो, पता होता है कि ये लगने से क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाथ टूटेगा, तो वो उसके सामने कूद जाते हैं और बाद में वहां पे क्लेम करते हैं। ये रियलिटी चलती है ताकि हम कंपनी से पैसा कमा सके। इस वजह से वहां पे इंश्योरेंस कंपनी बहुत सोच समझ के ये चीजें जो है ना वो प्लान करती है। तो इस वजह से ऐसे सवाल आपके दिमाग में आने आने चाहिए, हम इस कंपनी को बना सकते हैं, ठीक है, ओके। वैसा वहां पे दिमाग में आपके नहीं आना चाहिए, वो उन्होंने बहुत सोच समझ के कंडीशंस बनाए, आगे आपको समझ में आ जाएगा कितना सोचा है उन्होंने, क्लियर, कि ऐसा हो गया तो इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा हो गया तो वैसे इतने पैसे मिलेंगे, लॉजिकली हम समझ लेंगे। मतलब अभी तक लॉस ऑफ प्रॉफिट में ज्यादा वो कॉम्प्लिकेशन है, अभी हम लॉस ऑफ स्टॉक है, लॉस ऑफ स्टॉक थोड़ा सा कंफर्टेबल है। सबसे इजी कौन सा है, लॉस ऑफ एसेट, उसके बाद में कौन सा है, लॉस ऑफ स्टॉक, एंड देन लॉस ऑफ प्रॉफिट। डिफिकल्ट है ऐसा नहीं, उसमें बहुत सोचा गया है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, कितना पैसा कौन सी केस में देना चाहिए, वो बहुत सोचा गया है लॉस ऑफ प्रॉफिट के केस में। तो यहाँ पे ये 1 लाख क्या हो गया, स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी, क्या माइनस होगी, स्क्रैप वैल्यू, और स्क्रैप वैल्यू माइनस होने के बाद में वहां पे आपको कितना मिल जाएगा, 2.5 लाख मिल जाएगा, क्लियर, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो आपके जो लेट्स से नोट्स है, नोट्स में देखो यहाँ पे दिया है, लेट्स कैलकुलेट क्लेम, कौन सा, लॉस ऑफ एसेट, बराबर, तो उसमें क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है, 10 लाख, कितने मिली थी अपने एसेट, 10 लाख, माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक आपने कितना डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, अभी तक आपने कितना डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, कितना पहले से अभी ये साल तक कितना प्रोवाइड किया, 6 साल का कितना, 6 लाख प्रोवाइड किया, वो पूरा बैलेंस वहां पर लिख देना, कितना, 6 लाख। स्टार्टिंग में 10 लाख एसेट की वैल्यू थी, अभी तक 6 साल में कितना डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, 6 लाख, तो ठीक है यहां पे कितना हो जाएगा, 6 लाख बराबर प्लस, सॉरी माइनस डिप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर डिप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ फायर, आग लगने के दिन तक का डिप्रिसिएशन जो पेंडिंग है अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, वो कितना निकाला था आपने, 50,000, वो भी माइनस कर देंगे 50,000। तो उसके बाद में एसेट की वैल्यू कितनी बची वो पता चलेगा, क्या, 3.5 लाख, 3,50,000, देन लेस सेल्वेज वैल्यू, जो बच्ची कुछ ही वैल्यू है या उसे हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, वही सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कितनी बची है, 1 लाख, तो वो सेल्वेज वैल्यू जो बची है उसमें से माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 2,50,000, कितना आपको पैसा मिल सकता है। उसमें भी आपने अगर अंडर इंश्योरेंस किया हो, अंडर इंश्योरेंस किया हो, 10 लाख की एसेट है बट आपने इंश्योरेंस कितना लिया, 8 लाख, तो आप रीजनेबल समझो, 10 लाख में से 8 लाख लिया, मतलब कितना परसेंट लिया, 80%, तो ये 2.5 लाख का कितना मिलेगा आपको, 2.5 लाख इंटू 80%, कितना, 2 लाख मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा, समझ में आ गया। मतलब उसमें भी अंडर इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो और कम मिलेगा, अगर आपने अंडर इंश्योरेंस लिया हो और एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो तो। ये तो 2.5 लाख तब मिलेगा जब आपने फुल इंश्योरेंस लिया हो, अंडर इंश्योरेंस लिया और एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो तो उस केस में आपको क्या है, 2.5 लाख से भी कम मिल सकता है, क्लियर। तो ये वहां पे एक बार नोट डाउन कर लेना, लॉस ऑफ एसेट का
लिख लो, जब तक आपके पास आते नहीं तब तक कुछ तो भी होना आपके पास पढ़ने के लिए। बाद में मैं लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, बाद में तो आपके पास वो ऑलरेडी होगा। नोट्स हो गया क्या, एडमिशन हो गया क्या अपना? एडमिशन जैसे होता है वैसे, मतलब सर को मैंने बोला एडमिशन जैसे होते बताते जाओ तो वैसे इशू कर देंगे। मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता दूं कि लॉस ऑफ एसेट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब एक बहुत ही रेयर सिचुएशन में आएगा, क्योंकि इतना आसान क्यों पूछे ऐसे टाइप का है वो। बहुत सिंपल है ना, बहुत प्लेन है, क्या डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया और जो बचा हुआ है उसमें सैलरी जल्दी माइनस कर बाकी का पैसा दे दिया। इस वजह से लॉस ऑफ एसेट के ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता, बट थिंग ये है कि मतलब पढ़ा तो पता होना तो चाहिए आपको। कल जाके गलती से आ गया तो ऐसा ना हो कि एकदम आसान मार्क्स थे फिर भी नहीं मिले, क्योंकि पता ही नहीं था करना क्या है। डन okay. अभी थोड़ा सा लॉस ऑफ एसेट के बारे में जानते, क्लेम फॉर लॉस ऑफ एसेट। अच्छा मुझे बता दो, एसेट स्टॉक, स्टॉक की बात कर रहे हैं हम अभी, स्टॉक का कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन वहां पे आ गया। कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए ये सबसे पहले समझना पड़ेगा। ओके आप उसके ऊपर दिमाग लगाओ कि आप कितने का इंश्योरेंस लोगे आपके गोडाउन में जो स्टॉक है, जो भी होगा स्टॉक, जो भी अमाउंट होगी। ओके तो आप क्या चाहोगे कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक है, क्या लगता है आपको? हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक कम ज्यादा होता है, बराबर। ये मेन पॉइंट सोचने वाली है कि सर आज जो स्टॉक अपने पास पड़ा हुआ है वो शायद से स्टॉक कम भी हो सकता है, वो शायद से स्टॉक ज्यादा भी हो सकता है, बराबर। और जिस दिन आग लगी उस दिन वो स्टॉक क्या है, अलग हो सकता है, बराबर ना, मतलब सिंपल बात है, बराबर। मतलब मान लो मैंने आज जो है वो पॉलिसी ली 20 लाख की, एज्यूमिंग दैट कि मेरे गोडाउन में जो स्टॉक है वो 20 लाख का है। आज कितना गोडाउन में स्टॉक, 20 लाख। बट जिस दिन मेरे गोडाउन में 1 करोड़ का स्टॉक आ गया उस दिन ही आग लग गई, मतलब नसीब, ठीक है, समझ में आ गया उसका नसीब, ठीक है। मतलब वो क्या बोलेगा, जिंदगी झंडबा, ओके, फिर भी घमंड बा, ओके, तो नसीब झंडबा है, सिंपल बात है कि जब 1 करोड़ का स्टॉक गोडाउन में आ गया उसी दिन ही आग लग गई। आप कंपनी के पास वहां पे चले गए, कंपनी को बोला कि यार 1 करोड़ का स्टॉक था, कंपनी क्या बोली, कंपनी 1 करोड़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, किसके लिए, 20 लाख। उसमें वो एक और, आप इतना सिंपल नहीं है, ओके, वो और एक दिमाग लगाई कि अगर आपके गोडाउन में 1 करोड़ का स्टॉक रहता है आपने 20 लाख का ही लिया, मतलब ये अंडर इंश्योरेंस है, मतलब एवरेज क्लॉज, मतलब क्या लगेगा, एवरेज क्लॉज, मतलब आपने देखो 1 करोड़ के स्टॉक में से कितने का इंश्योरेंस लिया, 20 लाख का, मतलब 20% ही इंश्योरेंस ले लिया, तो आपका जो लॉस हुआ 20 लाख का उसका 20% ही मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, 4 लाख ही मिलेगा। ऐसा होता है, ये रियलिटी है, मतलब आपने जब भी इंश्योरेंस लेना ना उतने अमाउंट का इंश्योरेंस लेना है जितना मैक्सिमम स्टॉक आपके गोडाउन में रहता है,
और जितना मैक्सिमम स्टॉक रहता है उस दिन जो मिला, स्पेशली कब कब जब लॉस हुआ उस दिन जो मिला वो गलती से ज्यादा मिल गया ना, ये जैसा मैंने बोला 1 करोड़ का मिल गया उस वक्त, या स्टॉक 1 करोड़ का था और आपने पॉलिसी लिए 20 लाख, तो वो कंपनी क्या मानेगी कि आपने अगर 20 लाख का लिया तो आपने वहां पे 20 लाख का रखना चाहिए ना, आपने 1 करोड़ का रखा। इसका मतलब क्या होता है, आपने अंडर इंश्योरेंस किया है और अंडर इंश्योरेंस में एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो तो फिर तो आपकी लगी जाएगी, सिंपल बात है। इस वजह से आपने कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए, जितना मैक्सिमम स्टॉक आपके गोडाउन में रहता है। और आपने जो भी इंश्योरेंस लिया, जो भी मान लो 40 लाख ले लिया, 50 लाख लिया, तो जिस दिन आग लगी उस दिन उससे ज्यादा ना मिले, अगर गलती से मिल गया तो क्या हो जाएगा, वो दिखाई देगी वैल्यू 80 लाख और आपका पॉलिसी कितना है 40 लाख मान लो, कितने का दिख रहा है स्टॉक 80 लाख और पॉलिसी कितने का है 40 लाख, और एवरेज क्लॉज वाला कंसेप्ट हो तो उस केस में आप क्या हो जाएगा 50% ना, 80 लाख का लॉस हुआ, उतना लॉस हो सकता था, उतना आप गोडाउन में घुस सकते थे, फिर भी आपने कितने का इंश्योरेंस लिया 40 लाख का, मतलब इंश्योरेबल वैल्यू जितने का निकालना चाहिए था, पूरे स्टॉक का निकालना चाहिए था, जितना आप स्टॉक रखते हो तो कितने का है वो 80 लाख, आपने कितने का निकाला 40 लाख, इसका मतलब 50% ही आपने इंश्योरेंस ले लिया, तो जो जो आपका लॉस हुआ एक्चुअल 40 लाख का उसका भी आपको 50% ही मिलेगा अगर एवरेज क्लॉज लगा दिया। इस वजह से ध्यान देना, इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने का निकालना चाहिए, जितना मैक्सिमम स्टॉक आपके गोडाउन में रहता है, समझा, नहीं निकाला तो क्या लॉस हो सकता है, समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। आप कुछ चीजों को बचाना चाहते हो, छुपाना चाहते हो, बट उस वक्त छुपा नहीं पाओगे जिस दिन आग लगे, उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा, उस दिन इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आ जाए यहां पर जो स्टॉक ज्यादा था वो और भी कम कर देंगे, क्लियर, इफ एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो। अच्छा मैं बता दूं 80 लाख का आपको, सभी लोग ध्यान सुनना, ये मुझे बता देना, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है एप्लीकेबल, वो पॉलिसी में है ही नहीं एवरेज क्लॉज, मान ही लेते 80 लाख का क्या हो गया लॉस हो गया और आपने पॉलिसी ली थी 40 लाख की, तो आपको कितना मिलेगा 40 ही मिलेगा, क्लियरली समझ में आया ना, क्यों, विच एवर लेस मिलेगा, दोनों में से जो भी कम है, मतलब जितनी की पॉलिसी ली उतना ले लिया, ठीक है। बट 80 लाख का लॉस हुआ, 40 लाख की पॉलिसी ली थी और अंडर इंश्योरेंस की वजह से एवरेज क्लॉज आपके पॉलिसी में लिखा हुआ है, देन क्या हो जाएगा, वो एवरेज निकालेंगे, कैसे, इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन इंश्योरेबल वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है 40 लाख, इंश्योरेबल कितने का निकालना चाहिए था 80 लाख, कितने का निकालना चाहिए था? जिस दिन आग लगी उस दिन जितना था उतने का निकालना चाहिए था 80 लाख इनटू लॉस, लॉस कितना हुआ 40 लाख भाई, तो ऑटोमेटिकली वो कितना आ जाएगा 20 लाख पे ही कैलकुलेशन आ जाएगा। तो इस वजह से आपने कितने का सबसे पहले देखो आपने पूरा निकालना चाहिए था, अगर कल जाके जब आपकी आग लगती है, आग लगने के बाद में गोडाउन में अगर ज्यादा मिल जाता है ना तो उस केस में आपको जो है वो पैसे कम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक उसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल इन शॉप ऑब्लिक गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर, अरे उसी चीज का आपको क्लेम मिलेगा जो गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ था, सिंपल बात है ना। तो मुझे उस दिन क्या निकालना है, कितना स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ था, जो स्टॉक गोडाउन में था ही नहीं वो जला है क्या, नहीं जला है, और जो जला नहीं उसका क्लेम कहां पे मिलेगा। इस वजह से मुझे ये निकालना पड़ता है कितना स्टॉक उस दिन गोडाउन में था, जितना स्टॉक था ओके उसमें से भी ये सोचना पड़ेगा, मान लो 80 लाख का स्टॉक था उस दिन, ठीक है, कितना था 80 लाख का स्टॉक था, उसमें से 20 लाख का स्टॉक बच गया, भाई इसे क्या बोलते हैं हम, सैलवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ऐसा कुछ वहां पे बोल देंगे, भाई तो आपका लॉस कितना हो गया 60 लाख, फिर भी आपने इंश्योरेंस कितने का लेना चाहिए था 80 लाख का लेना, समझ आए, मैं इंटेंशनली सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हूं कि आपको एक बात पे अड़ रहना है कि आपको पूरे स्टॉक का इंश्योरेंस लेना चाहिए था। बहुत से स्टूडेंट क्या बोलते हैं, सर आपने एवरेज क्लॉज लगाते हो क्या क्या, सर 80 लाख यूज किया पर आपने लॉस तो कितना हुआ है 60 लाख ही हुआ है, लॉस कितना होता है उसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं होता है, लॉस कितना हो सकता था उस बेसिस पे इंश्योरेंस होता है, तो लॉस आपका कितना हो सकता था, कितना हो सकता था 80 लाख, तो आपने कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था 80 लाख का, इवन तो उसमें से कुछ बचा है फिर भी आपने इंश्योरेंस 80 लाख का ही लेना चाहिए था। तो आप सबसे पहले एक काम करना है, आपको क्या करना है, फाइंड आउट क्या कॉस्ट याद रखना, क्यों, क्योंकि आपको कौन सा मिलेगा, सिंपल बात है, इंश्योरेंस कंपनी आप जाके बोल रहे हो सर मेरा जो स्टॉक था ना वो 10,000 का था बट वो मार्केट में 30,000 में बेचा जाता, अगर मैं बेचता तो मेरा लॉस 30,000 हो गया, 30,000 हो गया क्या, नहीं, कितना हुआ है, ठीक है 10,000, जितना लॉस एक्चुअली हुआ, मैंने जितने पैसे लगाए उसके पीछे वो लॉस हो जाएगा ना, जो पैसे मिल सकते थे वो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, पागल जैसे क्या कर रहे हो, एक काम करो नया स्टॉक ले लो,
और वो बेच दो 30,000 में, उसमें 20,000 मिलेगा ही ना तुम्हें। ठीक है, तो जो मिल सकता था वो तो वैसे भी ले सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, वैसा स्टॉक ले लो और बना दो और बेच दो। तो जो प्रॉफिट हो सकता था उसके लिए अभी थोड़ी ना रिस्पॉन्सिबल, हम किसका देख रहे हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ प्रॉफिट में वो अलग चीज है। अभी लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया, स्टॉक मेरा था 10,000 का, ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा, 10,000 के हिसाब से ही मिलेगा। उस केस में ऐसा भी हो जाएगा, देखो वो अगर 10,000 का स्टॉक मार्केट में 30,000 में बेचा जाता है, 10,000 का स्टॉक मार्केट में 30,000 में बेचा जाता है, ठीक है, फिर भी वो कितना देंगे, 10,000। अगर वो 10,000 का स्टॉक मार्केट में 8,000 में बेचा जाता है, मार्केट वैल्यू कम हो गई उसकी, तो भी कितना मिलेगा आपको, 10,000 ही मिलेगा। मेरा लॉस तो उतना हो गया ना, मैंने उसके लिए 10,000 पे किए थे, तो मेरा लॉस तो उतना ही हो गया ना, 10,000 ही हो गया। तो ये वहां पे क्या क्लियर है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल इन इन क्या शॉप पब्लिक गोडाउन, कितना स्टॉक अवेलेबल था गोडाउन में या शॉप में, ये निकालना है। अवेलेबल मतलब कितना स्टॉक पड़ा था, वो शायद से कुछ केस में मेरा हो सकता है, ये कुछ केस में किसी और का भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आ गए, आपने मुझे गुड्स के लिए पैसे दे दिए सेल के लिए, आपने मेरे पास से 50,000 के गुड्स परचेस कर दिए, आपने बोला एक काम करो पैकिंग करके कल भेज दो मुझे, या आप अभी भेज दो बोल रहे हो बट पैकिंग के लिए टाइम लगता है ना, तो आपने बोला एक काम करता हूं कल भेजता हूं, आपने आपके पास से मैंने पैसे लिए, सेल तो हो गया है, सिर्फ गुड्स पैक करके भेजने, कुछ गुड्स पैक करके रात को रख दिए, आपके गुड्स रेडी है, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओनरशिप ट्रांसफर हो गई कि नहीं हो गई, कब होती है ओनरशिप ट्रांसफर सेल ऑफ गुड्स के गुड्स में, कब होती है, कब, हाँ नोटिस, आपके गुड्स रेडी है, इसकी नोटिस, नोटिस टू बाय देनी पड़ती है, मतलब आपके गुड्स रेडी है लेके जाओ ऐसी वहां पे, या हम भेज रहे हैं जो भी है वो वहां पे नोटिस देनी पड़ती है। मान लो मैंने सभी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी, क्या पैकिंग कर दी, आपको फोन के बता दिया गुड्स रेडी है, ठीक है अभी निकल रहा है, तो उसके बाद में ओनरशिप आपकी, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, और जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है वैसे क्या ट्रांसफर होता है, रिस्क, तो ऑटोमेटिकली रिस्क क्या है कि आपके ऊपर चली जाएगी, और उसी रात को आग लग गई। तो बात को समझो, गोडाउन में मेरे गोडाउन में स्टॉक है, मेरे गोडाउन में स्टॉक है, बट क्या हो गया, क्या हो गया, वो स्टॉक लॉजिकली देखा जाए, अगर लीगली देखा जाए तो आपका स्टॉक है लीगली। तो अभी आप मुझे बताओ कि मुझे वो 50,000 का क्लेम मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जो जल गया वो, भाई यहां पे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल इन गोडाउन, अवेलेबल जितना है, तो आपका जो मैं भेजने वाला था, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मेरे यहाँ पे जल गया स्टॉक तो आप मुझे उसके पैसे दोगे, अगर पैसे नहीं दिए आप बोलोगे नहीं गुड्स आया नहीं तो किस बात के पैसे, और अगर पैसे दिए भी हो आप क्या बोलोगे, वो छोड़ दो पहले वाला, आप मुझे दूसरे गुड्स भेज दो, मतलब मुझे तो देना ही पड़ेगा ना अगर मेरे यहाँ पे गोडाउन में जल गया। तो इस वजह से स्टॉक किसका है ये इंपॉर्टेंट है, मेरे गोडाउन में था, ओके, ये आपको कैलकुलेट करना है कितना आपके गोडाउन में था, उतना आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, इस वजह से आपको क्या फाइंड आउट करना है, बार बार एक चीज दिमाग में डालना, क्रिस्टल क्लियर दिमाग में होना चाहिए, हम यहां पे फाइंड आउट करें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल इन गोडाउन और शॉप कितना अवेलेबल है। मैं यहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल तोड़ने वाला हूं, क्यों, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग में जब आप जाते हो, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग लिख सकते हो, परचेस लिख सकते हो, जीपी सेल, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा, एक चीज मिलती है ना बैलेंसिंग फिगर में, तो क्लोजिंग मिल जाएगा। तो वहां पे जो क्लोजिंग मिल रहा था वो क्लोजिंग स्टॉक अपना मिलता था, हमारा कितना है, अभी मुझे क्या चाहिए, अपना नहीं, हमारे गोडाउन में कितना था। तो थोड़े से प्रिंसिपल चेंज होते हैं, बहुत से स्टूडेंट को क्या लगता है, यार सर आप अकाउंट के टीचर हो और यहां पे एक के बाद एक क्या कर रहे हो, आप प्रिंसिपल तोड़ रहे हो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि मैं अकाउंटिंग करना ही नहीं चाहता यहां पे, ये अकाउंटिंग का चैप्टर ही नहीं देखा जाए तो, मतलब यहां पे मुझे अकाउंटिंग एंट्री ट्रीटमेंट वैल्यूएशन ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं, अकाउंटिंग का मैं ये चैप्टर को अकाउंटिंग का चैप्टर मानता ही नहीं, मतलब ये अकाउंटिंग का नहीं है, इसमें कहीं पे मैं एंट्रीज नहीं करना चाहता, क्या करना चाहता हूँ, मेरे गुड्स का लॉस हो गया मुझे कितना क्लेम मिलेगा, और इंश्योरेंस कंपनी ने जो रूल्स बताए उसके हिसाब से कैसा क्लेम मिलता है वो मुझे कैलकुलेट करना है, अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से क्लेम नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, पहली बात मैं क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पे आपको ऐसा लगेगा अरे हम अकाउंटिंग में ऐसा पढ़ते तो सर आपने ऐसा करने के लिए बोला, यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग थोड़ी ना कर रहे हम, यहाँ पे हम क्या करें, एक लॉस हो गया उस लॉस के क्लेम कितना मिल सकता है इंश्योरेंस कंपनी से वो कैलकुलेट कर रहे, वो अकाउंटिंग में रूल्स बताए कि उसके नहीं, वो किसने बताए, इंश्योरेंस कंपनी ने, तो उनके हिसाब से हम चले, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग का ये लिखा जाए तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हो, या हम लेके चलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, बाद में फाइनल अकाउंट्स हो,
ठीक है, ये सभी कौन से अकाउंटिंग के चैप्टर है, क्योंकि उसमें प्रॉपरली अकाउंटिंग चल रहा है, अकाउंटिंग के डेबिट रूल क्रेडिट रूल ये चल रहा है, यहाँ पे ये नहीं चल रहा। तो इस वजह से आपको बहुत सी बार मिलेगा कि मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो अकाउंटिंग में कुछ और फॉलो हो रहा था, तो उसमें आपने दिमाग नहीं लगाना है कि यार सर वहां पे ऐसा था, छोड़ दो ना, वो यहाँ पे जो चल रहा है ना वो इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से क्लेम कैलकुलेट करने के हिसाब से चलेगा। इज इट क्लियर? मेरी क्लियर? इस वजह से मैं आपके दिमाग में एक चीज डाल रहा हूं, हम क्या फाइंड आउट करने वाले, गुड्स अवेलेबल, अवेलेबल गुड्स अवेलेबल इन गोडाउन एट कौन से प्राइस, एट कौन से प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मुझे कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। आप बोलते हो सर अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर लेस पे होता है, तो आपने वहां पे मार्केट प्राइस क्यों क्यों नहीं निकाला, ऐसा बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है। तो मैं क्या बोलता हूं, पहले दिन मैंने क्या क्लियर किया था, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट, उस वक्त मार्केट प्राइस कम है, ये है वो अकाउंटिंग के रूल्स है। इंश्योरेंस क्लेम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट, तो मैं कॉस्ट लिखूंगा ना वहां पे क्लोजिंग की, वहां पे मैं 10,000 कॉस्ट प्राइस है, 8,000 मार्केट प्राइस है, तो 8,000 लिख के चल रहा हूं, यहां पे नहीं करूंगा मैं, ये क्लियर है ना, जितनी कॉस्ट है उस पे ही चलना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आ सकता है सर हमें तो हमारे टीचर ने जो है वो मैम थे, अच्छे मैम थे, अच्छा पढ़ाते थे, तो उनने हमें ऐसा बता दिया था, आप गलत पढ़ा रहे हो सर, ठीक है। बट यहाँ पे चैप्टर अलग चल रहे हैं ना, चैप्टर का इंटेंशन अलग है, अकाउंटिंग से ज्यादा यहाँ पे क्या है, लॉस क्लेम कैलकुलेट करना, कितना क्लेम है वो कैलकुलेट करना, डन। हाँ, इतना पहला जो लाइन है वो लिख के लो, एंड आज मैं यहीं पे ही रुक जाऊंगा, मतलब वो मैंने बोला था कंटिन्यूस, मुझे एसिड रिफ्लक्स जो बोलता है वो वो हो रहा है, तो पहले 10-15 मिनट आज मैं थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट से बाद में नोट डाउन कर लेना, इसे पॉज करके, और आपका तो यहाँ पे चल ही रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ये रिवाइज करके आना, वैसे आने के बाद में हम तो रिवीजन करते ही डेली बेसिस पे, जो कल पढ़ा वो हम अगले दिन रिवाइज करते ही, आप भी रिवाइज कर लेना तो चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए डाड़ा बाय बाय एंड मिस यू, बाय बाय।